गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखो, आपका आज पेपर हुआ है बीएमआरएस का, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। और अभी आप पेपर देके खुश हैं, क्योंकि सारा का सारा पेपर अगर आप देखेंगे तो जो आईसीआई मॉड्यूल, और उसी आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन हमने वीएसआई मॉड्यूल में डाल रखे हैं, तो आपको सारा का सारा पेपर जो है वो वीएसआई के मॉड्यूल से और पीवाईक्यू जो वीएसआई के मॉड्यूल में हमने डाल रखे हैं उन्हीं में से आपको दिखाई देगा। और उम्मीद है मुझे कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा। देखो, एक बार इस पे हम नजर डालते हैं कि पेपर किस तरीके का आया है, और हमारे जो आंसर होने चाहिए एक्सपेक्टेड वो कौन से होने चाहिए। देखो, मैंने आपको हर बार बोला है कि आपका जो ध्यान है वो क्लास में जो जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं उन पे बराबर होना चाहिए। भी अगर आप क्लासरूम के अंदर पढ़ाए गए जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान देते या दिया भी होगा आप लोगों ने, तो आपको पता चलेगा कि पेपर जो है लगभग लगभग वैसा का वैसा ही है। ठीक है, और आप इन क्वेश्चनों को अगर देखेंगे तो बड़ी आसानी से आपका पेपर 2 आवर्स में हो सकता है, क्योंकि लास्ट अगर मैं पेपर की बात करूं तो वो थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट था, लेकिन इस बार का जो पेपर है वो आपको पूरा, क्योंकि मेरी स्टैट्स वाले सर से भी बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा कि भाई उनके स्टैट्स के जो 40 क्वेश्चन है वो वैसे के वैसे ही है जो वीएसआई मॉड्यूल यानी कि आईसीआई के अंदर दिए गए हैं। और अगर हम बात करें इसके अंदर तो आपको देखो, मैं जो देख पा रहा हूं जो क्वेश्चन है सारे के सारे, मैंने एक बार सरसरी नजर ही डाली है तो मैं जहां देख पाया तो मुझे लगा कि सारे क्वेश्चन जो है लगभग लगभग वही है, थोड़ा बहुत डेटा बदला गया है, बाकी और कुछ नहीं है। देखो, हम 1 बाय 1 करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। यहां पे सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1, और यहां पे ये, लेकिन पीडीएफ फॉर्मेट अगर चाहिए तो मैं कट करके ले जाता हूं कुछ कुछ क्वेश्चंस को एक साथ, ताकि आप जो हैं अगर आपको नोट्स के फॉर्म में चाहिए तो ये आपको मिलते रहे। ठीक है, देखो दो दो क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, यहां पे आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा, मे बी हो सकता है सबके सीरीज अलग अलग आई हो तो उनके क्वेश्चनों का जो ऑर्डर है वो चेंज हो, है ना, लेकिन आपको क्वेश्चन वही मिलेंगे, ऑर्डर चेंज हो सकते हैं। देखो, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:4 एंड देयर एक्सपेंडिचर इज 3:2, इफ एट द एंड ऑफ ईयर इट सेव ₹1600 देन द इनकम ऑफ ए इज। देखो, इस क्वेश्चन को मैंने तो आपको क्रॉस चेक करना में भी सिखाया था कि क्रॉस चेक से आप देख सकते हैं कि भैया ए का इनकम क्या होगा। ठीक है, क्योंकि इनकम का जो रेशियो दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, 5:4 दे रखा है, तो आप देखो कि इसको क्रॉस चेक करेंगे तो जो सबसे आसान हो, मैंने यही बोला है कि हम उस पर दिमाग लगाएंगे, 4000 हमें दिखाई दे रहा है और इनकम जो है वो 5:4 में है, इसका मतलब एक ही जो इनकम है वो 5 है, और यहां पे हमने लिया 4000, तो बताओ 5 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 4000 के। अगर 5 4000 के इक्वल होगा तो बताओ 1 किसके इक्वल होगा, 4000 डिवाइडेड बाई 5, तो आपको पता चलेगा कि भैया ये जो है 800 के इक्वल होगा, और 1 800 के इक्वल हुआ तो देखो आप 4 भी निकाल लो, तो 4 किसके इक्वल होगा, तो 4 पता चलेगा 3200 के इक्वल होगा, क्योंकि 800 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 से। तो ये हमारे पास में आ गया। देखो, ए का इनकम हमने यहां से लिया, बी का इनकम हमने निकाल लिया, अब इसको क्रॉस चेक कर रहे हैं, सॉल्व भी करना मैं सिखाऊंगा लेकिन सिखा नहीं रहा हूं मैं तो, अभी तो आंसर बता रहा हूं। देखो आपको, तो अभी देखो यहां पे ए का हो गया 4000 और बी का हो गया हमारा 3200। अब दोनों अगर 1600 सेव कर रहे हैं तो अगर मैं इनकम में से उनकी सेविंग को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर। तो आप यहां देखो कि इसका जो एक्सपेंडिचर दिखाई देगा वो आपको दिखाई देगा 2400, 4000 में से ये गया तो देखो कितना आएगा, यही आएगा, और यहां से इसको देखो तो ये आएगा 1600। अब इसका रेशियो निकाल लो, वो एक्सपेंडिचर के रेशियो 3:2 के इक्वल होना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि 8 3 जा
24 और 8 टू जा कितना आ गया 16, तो पता चला यही है। और मैंने हमेशा ऑप्शन मैंने कहा है कि कभी भी डिसहार्टेड हाफ हार्टेड होके नहीं रखना, तो सबसे सिंपल वाला हम रखते हैं। और अगर आपको इसको सॉल्व करना होता तो सॉल्व करना भी बड़ा आसान है, देखो क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर ये है, तो आप सपोज कर लो 3x और 2x, और उसमें क्या करो आप सेविंग को ऐड कर दो, तो ये जो आएगा एक्सपेंडिचर और सेविंग मिलके क्या बनाती है इनकम, और इनकम का रेशियो कितना दे रखा 5:4, और सॉल्व कर लेना तो आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन पूरा एक्स का वैल्यू जो आएगा वो यहां पे रखना है 3x प्लस 1600 पे, तो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर, तो आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो आप क्या करो कि इन दोनों का प्रोडक्ट करके और रूट निकाल दो, तो यहां पे तो ये पावर जो है वो हाफ हाफ हो जाएगी, तो एक्स वाई आएगा, और इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 324 आएगा, तो देखो कितना हो गया 324 का रूट जो होता है वो कितना होता है 18, और नहीं तो कैलसी से केवल इतना सा निकालना था 12 × 27 और उसका प्रोडक्ट करके रूट कर दो तो आ जाएगा। ठीक है, देखो छोटी छोटी सी क्वेश्चन आए हैं, बड़ा सिंपल सा पेपर आया है, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बड़ी आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पेपर देख के तो बड़ा मजा आया होगा कि भाई ये पेपर तो बड़ा सिंपल बना है भाई, है ना। और थैंक गॉड कि इस बार पेपर जो है वो जिस लेवल का होना चाहिए एक्चुअल में सीए स्टूडेंट के लिए, उस लेवल का पेपर है, मतलब मॉडरेट क्वालिटी का है, कुछ एक क्वेश्चन डिफिकल्ट भी उन्होंने डाले हैं। यहां देखेंगे तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी बड़ा नंबर होता है तो हम क्या करते हैं फैक्टर करेंगे, तो देखो यहाँ पे आप 2 की पावर में भी इसको लिख सकते हो, लेकिन आप 4 लिखा हुआ है बेस तो 4 की पावर में लिखो, और 4 की पावर 4 आएगा। अब देखो ये 4 की पावर 4 तो 4 कहां जाएगा यहां पे, और यहां आएगा ये 4 और ये 4, ये लॉग ये तो 1 बन जाएगा, ये 4 को आप क्या लिख दो 2 की पावर 2, और ये 2 यहां चला जाएगा, ये 2 ये 2 ये log 1 ये 2 ये 2 ये log 1, तो ये तो आ गया 1 प्लस। इसको सॉल्व करोगे तो देखो पहले इसको देखो कि रूट 2 पर मैं कितनी पावर लगाऊं कि 2 आ जाए, तो रूट 2 पर 2 पावर लगाने पर आता है, यानी कि इस पूरे का वैल्यू तो 2 हो गया, और ये 2 से मल्टीप्लाई होके कितना आ गया 4, तो 1 प्लस 4, तो पता चलेगा आंसर कितना आ गया 5। ठीक है, देखो ये सारी चीजें क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको समझा नहीं रहा हूं, मैं आंसर अल्टीमेट दिखा रहा हूं आपको। यहां पे देखो कि ये जो आ रहा है यहां पे, इसको सॉल्व करेंगे तो साइक्लिक ऑर्डर में है बी सी सी ए ए बी, और साइक्लिक ऑर्डर में है तो आंसर कितना होगा 1। देखो नंबर ऑफ कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, तो आपको पता चलेगा टेंस प्लेस जो है वो 3 टाइम है यूनिट प्लेस का, तो आपको देखो एक तो इसमें दिखाई देगा और एक इसमें दिखाई देगा और एक इसमें भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसने बोला ये 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो नंबर जो है वो रिवर्स हो जाएगा, तो देखो यहां तो नेगेटिव आएगा, यहां पे आप रिवर्स करोगे तो 26 नहीं आएगा, यहां जब आप करोगे यहां से 54 सब्ट्रैक्टेड तो ये 39 आ जाएगा। देखो 93 माइनस 54 तो 39 आ गया, देखो तो डिजिट आर रिवर्स, तो आंसर कौन सा हो गया सी। ठीक है, देखो तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आए, और ये सारे जो क्वेश्चन थे ये सारे के सारे वीएसआई मॉड्यूल, यानी कि वीएसआई मॉड्यूल में हमने देखो वीएसआई मॉड्यूल जो है इट इज कंपाइल्ड बाय अस नॉट रिटन बाय अस। ठीक है, हमने पूरा आईसीआई मॉड्यूल ही ले रखा है, लेकिन उन्हीं क्वेश्चनों को लिया जो जनरल आस्किंग है भैया, है ना, बाकी सेकेंड वॉल्यूम में थर्ड वॉल्यूम में हमने डाल रखा है, और हमें पता है मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं, तो हमने फर्स्ट वॉल्यूम में लिया है। देखो आप इसको भी क्रॉस चेक करते तो आ जाता, ए पर्सन परचेज 2 एप्पल 5 बनाना एट द कॉस्ट ऑफ 90, 2 एप्पल और 5 बनाना 90 रुपीज का लिया है, और व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल एंड 1 बनाना। ठीक है, तो आप देखो क्रॉस चेक कर लो तो किसी से भी ये मैच नहीं होगा, लेकिन आपको देखो मुझे दिखाई दे रहा है 2010 से, क्योंकि अगर एप्पल का कॉस्ट 20 है, 2 एप्पल है तो कितना हो गया 40, प्लस अगर बनाना का कॉस्ट 10 है, 5 बनाना है तो कितना हो गया 50, तो कितना आ गया टोटल सम 90 आ गया, तो मुझे यही दिखाई दे रहा है। बाकी सेकंड डेटा को पढ़ने का भी जरूरत नहीं है भाई,
आप लोग अपना टाइम किल करेंगे अगर सेकंड डेटा को पढ़ेंगे तो, ठीक है। देखो यहां पे देखो, अगर इसी तरीके से मैं बात करूं इन क्वेश्चन की, तो देखो यहां पे आपको दे रखा है, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज वन देन वैल्यू ऑफ के, वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज वन, अगर एक रूट वन है तो इसका मतलब, रूट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, इसका मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो जहां जहां एक्स है वहां वन लिख दो, तो वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के इक्वल टू जीरो, सॉल्व करेंगे तो देखो वन माइनस थ्री प्लस के इक्वल टू जीरो, तो के का वैल्यू देखो यहां माइनस टू उधर गया तो टू टू आ गया, ठीक है। ऐसे ही वन ऑफ द रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, तो देखो प्रॉपर्टी लगा दो, एक रूट तो इसने दे रखा माइनस वन बाई थ्री और अदर टू रूट पूछा है, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे भैया, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो देखो प्रॉपर्टी होता है माइनस डी अपॉन ए, माइनस तो फॉर्मूला वाला, डी माइनस का थ्री है, ए कितना है थ्री, तो कितना आ गया वन, यानी कि आपका आंसर वो होगा जिनको मल्टीप्लाई करने से वन आ जाए, तो देखो एक तो वन आएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि तीसरा रूट माइनस वन बाई थ्री है और ये बाकी के दो रूट है इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो देखो माइनस माइनस प्लस, थ्री से थ्री कैंसिल तो वन आ गया, लेकिन ये भी वन देगा, देखो माइनस वन बाई थ्री तो ये भी वन देगा, लेकिन आपका सम जो आना चाहिए वो देखो आना चाहिए, सम आना चाहिए माइनस बी अपॉन ए, यानी कि फाइव बाई थ्री आना चाहिए, तो वो जो सम है वो इन्हीं का होगा फाइव बाई थ्री, आप इनका सम करके देखेंगे माइनस वन का प्लस थ्री का और माइनस वन बाई थ्री का, तो क्योंकि यहां तो ये नेगेटिव नंबर ज्यादा हो गया तो माइनस में आता, तो हमें कॉमन सेंस लगा कि हमने देख लिया कि भैया ये तो बी आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शेडेड एरिया रिप्रेजेंट बाई द फॉलोइंग ऑप्शन, तो देखो दोनों ही यहां पे देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है पहले तो डॉटेड है, इसलिए दोनों ही डॉटेड है तो इक्वल का साइन नहीं आएगा। तीसरी बात ये है कि इसके अंदर x प्लस वाई ग्रेटर देन सिक्स है, ग्रेटर देन है तो देखो ये लाइन x पे कितने का इंटरसेप्ट करेगी, सिक्स का, y पे सिक्स का, तो x के पे भी सिक्स का, y पे भी सिक्स का, और ग्रेटर देन है तो किधर जाएगी, अवे फ्रॉम ऑरिजिन जाएगी, तो देखो ये अवे फ्रॉम ऑरिजिन में ही आ रहा है, करेक्ट। इसमें अगर हम देखेंगे तो देखो इसको अगर आप ऐसे लेके जाएंगे 2x is greater than y, तो x is greater than y है, x y से बड़ा, यानी कि x बड़ा कब होता है, जब भैया किधर जाता है राइट में, तो देखो राइट में ही जा रहा है, ठीक है। और क्योंकि इसमें कांस्टेंट पार्ट नहीं है तो कहां से पास होगी, ऑरिजिन से, तो देख लिया। और x is greater than 0, तो बताओ इधर x greater than 0 ही होता है कि इस तरफ भी, यस, तो कौन सा आंसर हो गया, ए, ए इज राइट आंसर, ठीक है। देखो यहां अगर 10 नंबर में मैं बात करूं, टेन नंबर क्वेश्चन में अगर बात करेंगे, डाइटिशियन रिकमेंडेड मिक्सचर ऑफ टू काइंड्स ऑफ फूड टू ए पर्सन सो दैट द मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 45 यूनिट, एटलीस्ट 45 यूनिट ऑफ कार्ब्स, तो देखो कार्ब्स जो है वो 45 चाहिए, तो इसको हमने मान लिया कि ये x ले रहा है और इसका कितना ले रहा है y, देखो लिखा हुआ है x यूनिट फूड वन और y यूनिट फूड टू, तो ये तो आएगा 20x और ये 10y, तो 20x और 10y देखो सब में दिख रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि कम से कम कितने का होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 45, यानी कि या तो 45 या 45 से ज्यादा, ठीक है ना, तो एटलीस्ट 45 और मोर देन 45, कम से कम चाहिए भैया एटलीस्ट 45 यूनिट कम से कम, तो लेकिन ज्यादा कौन वेरिएबल, तो यहां पे देखो ज्यादा वाला, तो ये तो 25 दे रहा है तो ये तो नहीं है भैया, ये कम दे रहा है तो ये भी नहीं है, ये 45 दे रहा है बड़ा बड़ा, तो ये सी है भैया, देखो एक ही है ग्रेटर देन इक्वल टू 45, बाकी ये लेस देन इक्वल टू है, तो कम से कम 45 का मतलब या तो 45 या 45 से ज्यादा, ज्यादा में यही है भैया, क्योंकि जो भी कम और ज्यादा का बात वेरिएबल के लिए, ठीक है। तो देखो बाकी के हमने चेक ही नहीं करे, तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा रखी है। अब देखो यहां पे ये इंटरेस्ट के क्वेश्चन आगे भाई देखो दो दो क्वेश्चन करते हैं हम, ये तो कंफर्म है कि पेपर देख के आपको परेशानी नहीं हुई इस बार,
ना, क्योंकि लास्ट टाइम जो पेपर था उसको देखने के बाद में थोड़ा सा परेशानी हुआ था स्टूडेंट को, लेकिन अभी क्या है कि पेपर जो है मॉडरेट क्वालिटी का आया है तो इट्स गुड, ठीक है। द सम रिक्वायर्ड टू अर्न ए मंथली इंटरेस्ट ऑफ, ये देखो एक तो ये ध्यान रखना मंथली इंटरेस्ट 1200 at 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट में जो पूछे उसका फॉर्मूला लगाओ, तो पी, पी का फॉर्मूला पी इक्वल टू, पी इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन आर टी। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो तो एस आई कितना चाहिए 1200 इंटू 100, आर कितना चाहिए भैया 18%, लेकिन टी जो चाहिए वो मंथली है भैया, वन मंथ, वन मंथ का मतलब, वन मंथ का मतलब आपको लिखना होगा 1/12 ईयर। तो ये देखो ये गलती मत करना, और इसको सॉल्व करोगे तो देखो दिस इंटू दिस इंटू दिस 1200 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 18, तो ये आ गया 80,000, ठीक है। राइट आंसर इज 80,000। देखो जिसका भी पेपर है उसने भी सही किया भाई, उसने भी सही किया। अब देखो द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 at 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 6 मंथ। अब देखो पहली बात तो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैंने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछे चाहे जो भी, हमें एक ही फॉर्मूला आता है वो लगाओ, कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 रेज टू द पावर टी। अब क्योंकि उसमें बोला गया है कि भैया कंपाउंडेड कैसा है, तो सेकंड बात इसी पे ध्यान देना, क्वार्टरली है तो r/4 और इसको क्या कर देंगे हम 40, ठीक है। और टाइम लेकिन ये ध्यान रखना 6 मंथ्स है, तो 6 मंथ्स है तो आपको क्या करना होगा ईयर में करना होगा, तो 1/2 ईयर, ठीक है। अब यहां पे लिखते हैं हम, देखो पी 40,000 ये हमने लिख दिया 40,000 1 + r कितना है 12, अच्छा 4 भी नीचे 100 भी नीचे, तो 400 टी, टी आप देखेंगे तो हाफ लिखना होगा, तो 4 × ½ तो ये कितना आएगा 2। देखो ये काम अगर नहीं किया तो फिर आंसर नहीं आएंगे भी आप, और देखो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा 12 / 400 + 1 × or = × 40,000, तो ये आ गया 42436। अब लेकिन ये आया है हमारा 42436, तो इंटरेस्ट तो केवल इतना ही है क्योंकि 40,000 तो क्या था प्रिंसिपल, तो देखो 42436 यस यही है, क्योंकि ये तो अमाउंट आएगा, हमें चाहिए क्या इंटरेस्ट, नॉट इट। देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आए भैया, कोई भी ऐसे अटकने वाला क्वेश्चन नहीं है। देखो देखो ये डिफरेंस बिटवीन सीआई और एसआई का क्वेश्चन आ गया 2 ईयर के लिए। अब देखो यहां पे 2 ईयर के लिए आया, तो मैंने आपको छोटा फॉर्मूला बता रखा है भैया, क्या बता रखा है 2 ईयर के लिए, मैंने बता रखा है पी इक्वल टू डी इंटू 100/r का होल स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंस दे रखा हमें कितना 480, प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा भैया 3 लाख, ठीक है, इंटू 100 × 100, और हमें आर स्क्वायर पता करना, तो ये आर तो इधर ले जाओ, है ना, आर स्क्वायर तो इधर ले जाओ और इसको फिर सॉल्व कर लो आप, तो ये देखो ये हमारा जो है ये सॉल्व हो गया, तो देखो ये जो आएगा आई थिंक आर स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 16, तो आर कितना आ जाएगा 4। देखो करके देख लेते हैं एक बार, क्योंकि स्टूडेंट का सही लग रहा मुझे 48, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16, यस, तो 4 आएगा करेक्ट। अब देखो यहां पे 14 नंबर, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर, इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज दिस देन मशीन्स वर्थ 3 ईयर्स अगो, अगो का पूछ लिया, मैंने बोला था अगो का फॉर्मूला तभी लगाना जब अगो की बात करे तो वैल्यू ऑफ मशीन 3 ईयर्स अगो, वैल्यू 3 ईयर्स अगो, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और वो होता पी पी अपॉन 1 - r/100 रेज टू द पावर टी।
ठीक है। अब देखो कि वैल्यू हमें पता करनी है 3 साल पहले, तो आज की कितनी है भैया? इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज दिस, तो 72900 1 माइनस आर इज द डेप्रिशिएट रेट एंड इट इज 10/100 एंड टाइम इज 3 इयर्स। ओके 3 इयर्स, तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर देखो 10/100, ठीक है, और ये -1, तो ये आ गया हमारा 0.9 और इसका पावर निकलना 3 × (2 = 3 और ये जो आ रहा है 0.729, इससे इसको डिवाइड करना, उल्टा डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 72900 और सीधा करना है तो डिवाइड और इक्वल 1 लाख आ गया भैया, 1 लाख आ रहा है भैया, देखो ठीक है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो ये कैलकुलेशन कर लेना कितना आ जाएगा, 1 लाख। देखो पेपर तो एकदम ऐसा आया आसान सा है ना, जिसको बोलते हैं हम अपने देसी भाषा में कि भैया लप्पू पेपर आया एकदम, हाँ एकदम लप्पू। अब देखो यानी मुझे तो लग रहा है कि सारे लोग आज ही खुशी मना रहे हैं अपने पास होने की। व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल अमाउंट इज 50,000 इन एन एसलाइन बैंक मनी एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट 6%। देखो ये पहली बात तो मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे डिपेंड ही नहीं होता, तो ये तो बेवकूफ बनाने के लिए लिखा हुआ। आप तो फॉर्मूला लिखो भैया, ई का फॉर्मूला होता है 1 + R/100 raised to the power t - 1 × 100 × 100, तभी करना जब परसेंटेज में आंसर हो, बिल्कुल परसेंटेज में है, लेकिन कंपाउंडेड कैसा है इस पर जरूर ध्यान दे लेना, कैसा है हाफ ईयरली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ और टाइम को डबल। अब लिख दो इसको, वैल्यू लिखेंगे तो 1 + R, R = 6 / 200 एंड टाइम इज, टाइम हमेशा मन ईयर लेते हैं, तो 2 × 1 - 1 × 100। अब इसको देखो सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर ये जो देगा हमें 6 / 200 + (1 × - 1 × 100) 6.09। देखो राइट आंसर 6.09, जिसने करा है उसका भी सही है भाई, ठीक है। ये तो हो गया 15। देखो 16 नंबर की अगर हम बात करें तो 16 नंबर में दे रखा है, कांता वांट टू अकुमुलेट रुपीस दिस इन हर सेविंग अकाउंट आफ्टर 3 ईयर, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय बैंक इज दिस कंपाउंडेड, एंड हाउ मच अमाउंट शुड शी इन्वेस्ट टुडे टू अचीव हर टारगेट। आज करना भी है, प्रेजेंट वैल्यू पूछी है, फ्यूचर वैल्यू गिवन है, लेकिन भैया ये एनुटी की बात नहीं है, आज कितना जमा कराएगा एक साथ। तो इन एब्सेंस ऑफ एनुटी प्रेजेंट वैल्यू इज फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + R/100 raised to the power t, और फिर देखो कंपाउंडेड कैसा है, कंपाउंडेड कैसा है भैया, एनुअली, एनुअली है। तो देखो हम सॉल्व करेंगे इसको, तो फ्यूचर वैल्यू इज हाउ मच, 4,91,300 डिवाइडेड बाई 1 + R, R = 6.25 लिख दो, अपॉन 100। देखो 6 1/4 है तो 6.25 लिख दिया, और पावर में कितना, 3 ईयर, तो ये 3 लिख दिया। अब सॉल्व करूंगा देखो इसको, तो सॉल्व करता हूं तो 6.25 / 100 + (1 × 3), ठीक है, और डिवाइड करना है उल्टा कर दो 4,91,300 और सीधा करना है तो डिवाइड और इक्वल 40,960 यही आ रहा है भैया, नियरेस्ट लगाना भैया आंसर, ठीक है, नियरेस्ट आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 409601, इसका 600 दे रखा, ठीक है, करेक्ट करेक्ट पे यही है। आ गया देखो पेपर बड़ा आसान भाई, पेपर बड़ा आसान, और मैंने ये बोला था कि भैया इस पे तो पकड़ कर ही लेना आप, फोर्थ नंबर के चैप्टर पे, क्योंकि भैया फोर्थ नंबर का चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसका बहुत अच्छा है, रीजनिंग के 4 चैप्टर बहुत अच्छे हैं,
उनको तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं भैया, और 3 चैप्टर स्टैट्स के है ना, वो तो पास ही है, और ये तो हमारी रूटीन पढ़ाई का पार्ट भी नहीं था भैया, ये तो अलग सी बात थी है ना। देखो मजा आ रहा है आपको, मिस्टर एक्स मेक्स ए डिपॉजिट ऑफ ₹12,000 इन अ बैंक वेयर द अमाउंट डबल एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 5 ईयर, देन व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ही विल हैव आफ्टर 20 ईयर। देखो इसमें हमें क्या करना होगा, एक्स मेक्स ए डिपॉजिट ऑफ ₹12,000 इन अ बैंक वेयर द अमाउंट डबल एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 5 ईयर। तो पहले आर निकालो और जो आर आ जाए उससे फिर आगे का निकालो इसमें। तो हमें मैथ तो क्लियर हो गया, करना क्या है, तो पहले तो देखो आप क्या करो, अमाउंट डबल हो गया ठीक है, तो कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला पी इंटू 1+R/100 रेज टू द पावर टी, ये लगा दिया हमने, लगा दिया ठीक है। अब देखो क्योंकि कंपाउंड का तो कुछ दे ही नहीं रखा है, तो पहले आर ही निकालेंगे, तो बाई डिफॉल्ट हम ईयरली लेंगे, तो ये पी, तो ये कितना हो गया 2P। हालांकि 12,000 तो हमें क्या लिखना होगा, डबल हो गया तो 2400 लिखना होगा लेकिन हमने P और 2P मान लिया, एक ही बात है। 1+R पता करना है, अच्छा लेकिन T कितना है भैया, 5 ईयर, तो ये 5 ईयर में हमने कर दिया, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्यों लगा है? लिखा हुआ भैया कंपाउंड इंटरेस्ट से। अब देखो R निकालना है तो पहले तो ये P से P कैंसिल ठीक है, अब ये 2 की पावर 1/5 हमें निकालना होगा ठीक है, ये 5 इधर आएगा तो 2 की पावर 1/5। अब ये 2 की पावर 1/5 का वैल्यू देना चाहिए था उनको, और ये -1 और (100), तो फिर ये आर आ जाता है ना, तो फिर ये आर आ जाता हमारे पास में। देखो अब ये आर आएगा ऐसा कि ये पावर 5 इधर जाएगा तो 2 की पावर 1/5, और ये प्लस का 1 है इधर गया तो -1 × 100, तो ये आर आएगा। अब तो या तो हमें ये इसका वैल्यू देता, और नहीं दिया है तो फिर हम क्या करेंगे कि आर को हम हिट एंड ट्रायल से, क्योंकि आर तो पूछा नहीं है, जो हिट एंड ट्रायल से लगा ले ठीक है। तो अब अभी इसको एक बार की ये ही रखना है, तो जो पूछ रहा है उसके अंदर हम इसी तरीके से पुट करेंगे। तो आप देखो यहां पे व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ही विल हैव आफ्टर 20 ईयर ठीक है, After 20 ईयर उसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो देखो एक चीज हम और कर सकते हैं इसके अंदर, बिना आर के भी अगर हम देखें तो भी हम निकाल सकते हैं, देन व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ही विल हैव आफ्टर 20 ईयर। मैं सोच रहा हूं इसको दूसरे तरीके से करूं, देखो एक बार कोशिश करते हैं हम, क्योंकि डबल हो रहा है 5 ईयर में, यानी ईयर्स दे रखा ठीक है। अब अगर आप देखो कि 20 ईयर में पूछा, इसका मतलब ये जो है वो 20 ईयर में, तो मैंने आपको बताया था कि भैया डबल अगर टाइम्स, क्योंकि ये सब बच जाए हम, डबल हो रहा है 5 ईयर में, और आपसे अगर देखें तो यहां 20 ईयर का पूछ लिया, इसका मतलब ये 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब मैंने बोला था कितना पावर लगाए कि ये जो है वो 16 टाइम हो जाए, तो 2 की पावर 4 लगाने पर देखो कि ये कितना हो जाएगा, 16 टाइम 2 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 4 कितना होता है भैया, 2 × 4 × 8 × 16 टाइम हो जाएगा। देखो पहले क्वेश्चन ऐसे पूछता था कि डबल होता है इतने में तो 16 टाइम किस पे हो जाएगा, तो मैं ऐसे बताता कि था कि 2 पर हम कितनी पावर लगाएंगे, 16 आ जाए तो 4 पावर लगाएंगे। अब लेकिन ये 4 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई है क्योंकि 20 बोल दिया उसने, तो बस आप तो देखो ये सब मत निकालो है ना, ये ऐसा लेंदी हो जाएगा। आप तो केवल और केवल क्या करो कि इसको 16 टाइम कर दो जो भी दे रखा है, तो 12,000 का आप 16 टाइम करोगे तो ये आ गया 1,92,000। देखो ये वाला आएगा, इट इज बेटर, नहीं तो अननेसेसरी आप इसमें फंस जाओगे। आगे क्या बात समझ में, देखो पहले क्वेश्चन क्या आता था कि 16 गुना हो जाए, कितने सालों में 16 गुना हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ इयर्स इट विल और इट वुड बी 16 टाइम ठीक है। अब 16 टाइम में तो 2 पर मैं कितनी पावर लगाऊंगी ये सोचते थे, अब देखो ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखो तो अभी देखने से जब आर में प्रॉब्लम आए तो देखो हमने इस तरीके से कर लिया क्योंकि सिखा रखा भी है। अब देखो यहां 18 नंबर,
ईपीएस ऑफ ए कंपनी फॉर फाइव ईयर इज गिवन बिलो कैलकुलेट द कंपाउंड एनुअल। देखो सीएजीआर कैलकुलेट करना है तो सीएजीआर का फॉर्मूला आपको पता है, अब क्योंकि कुछ नहीं बोला तो लास्ट ईयर का आप इससे करोगे, तो 90 जिसको कंपेयर करना है उसको ऊपर, जिससे कंपेयर करना है उसको नीचे, और इन ईयर का डिफरेंस। तो देखो ईयर का डिफरेंस करते वक्त ध्यान रखो कि ये 1, 2, 3, 4, 5 नहीं काउंट होते, दिस माइनस दिस, तो 23 में से 19 माइनस करोगे तो 4 आएगा, तो 1/4 -1, और परसेंटेज में दे रखा है तो इनटू 100 करो। अब देखो ये सब आपको कैलसी से निकालना आता है, क्या करोगे 90 डिवाइडेड बाई 40, और अगर हमें करना है इसका 1/4 तो एक बार रूट का बटन और फिर एक बार रूट का बटन और फिर माइनस वन फिर मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ गया 22.47। ये रहा, ए इज राइट आंसर। देखो कितने आसान क्वेश्चन, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि उसमें हमें 2^1/7 निकालने में दिक्कत, या तो लॉक का वैल्यू दे या 2^1/7 खुद दे। अच्छा क्वेश्चन, गुड। अब देखो यहां पे In an account paying interest at the rate of 9% per year compounded monthly ₹200 is invested at the end of each month. What is the future value of this annuity? देखो सीधे सीधे से question है उसी के, है ना? ये BSI module का ही है। In an account paying interest 9% per year compounded monthly, ठीक है? Future value पूछी है annuity की और end की भी बात करी है, end of each month। तो रेगुलर एनुटी हो गया, रेगुलर एनुटी के लिए फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू ए इनटू 1+i रेज टू द पावर एन -1/i। एक ही फॉर्मूला जानते हैं, वो हमने लिख दिया। देखो लेकिन चीजें ध्यान में रखनी है हमें, क्या ध्यान में रखना है, एक तो इच मंथ बोला, सॉरी टेंथ पेमेंट बोला और मंथली जा रहा है, इसका मतलब ये टाइम कितना हुआ, 10 मंथ्स हुआ। लेकिन हमें क्या करना है, देखो ये तो 10 मंथ्स हो गया और ये जो है कंपाउंडेड कैसा है, मंथली। तो पहले तो चीजों में चेंज करना है, क्या चेंज करना है आपको कि आई जो होगा वो आर अपॉन 100 नहीं होगा, आर बाई 1200 होगा, एक बात तो ये, ठीक है? और दूसरी बात जो है वो टाइम जो है वो हम चेंज करेंगे, लेकिन मैंने बोला था जब भी कंपाउंडेड मंथली हो और टाइम भी मंथ में हो तो बदलने का जरूरत नहीं है, 10 का 10 ही लिखना। कंपाउंडेड मंथली टाइम भी मंथ में बदलने की जरूरत नहीं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली टाइम भी हाफ ईयर में बदलने का जरूरत नहीं है, तो मत बदलो। और इसको करो तो आर कितना है देखो इसमें 9, तो 9 डिवाइडेड बाई 1200 करो, तो 9 डिवाइडेड बाई 1200, तो ये आ गया 0.0075, ठीक है? यहां लिखेंगे ए, ए कितना है 200, 1+, फिर आ रहा है 0.0075 और इसकी पावर 10 -1 डिवाइडेड बाई 0.0075। देखो इसका वैल्यू दे रखा है, मैंने कहा था कि एग्जाम में अगर उसका वैल्यू दे तो उसी को काम में लेना, तो इसी को काम में लेंगे, 1.0775 -1 डिवाइडेड बाई 0.0075 मल्टीप्लाइड बाई 200, 2066, यस यही आ रहा भैया, 2066। अब देखो ये आ गया, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली एट 10% रेट। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर, प्रेजेंट वैल्यू पूछी है, 2 साल बाद में मिलने वाला है। अब लेकिन देखो कि कितनी बार मिलेगा, ये 2 साल बाद में मिलेगा लेकिन कितनी बार मिलेगा तो हमें पता ही नहीं है भैया, कितनी बार मिलेगा तो पता है या नहीं है? अरे एक बार मिलेगा, अगर बोलता 1000 रुपीज पर मंथ पर क्वार्टर तब तो हमें पता चलता फ्रिक्वेंटली, तो एक ही बार मिलेगा तो एन्युटी का तो नहीं है, और एन्युटी का नहीं है और फिर भी आपसे प्रेजेंट वैल्यू पूछिए, तो इन एब्सेंस ऑफ एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1+R/100 रेज टू द पावर टी। अब देखो फ्यूचर वैल्यू कितना है भैया,
1000 रुपए मिलेगा आफ्टर 2 ईयर मिलेगा। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड एनुअली है, तो यही फॉर्मूले में कोई चेंजेशन नहीं आएगा। और आप करेंगे 10/100 रेज टू द पावर टी, ठीक है। देखो ये वही क्वेश्चन है, 1 रुपए वाला सेम क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के। ये तो एज इट इज वही क्वेश्चन है जो दे रखा है। ये दूसरा 1 रुपए का था, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर। अब इसको 1000 कर दिया, ठीक है, और कोई चेंजेशन नहीं है, केवल डेटा बदला। देखो 10/100 +1, मुझे तो उसका आंसर भी याद है कि क्योंकि वो करते थे हम उसको कि 1 रुपया, तो वो 0.82 समथिंग, तो 0.83 पैसा था। तो इसका मतलब अभी पैसा इतना 0.83 1 रुपए के लिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, आई थिंक सो। देख लेते हैं फिर भी, क्योंकि आता और वहां अप्रोक्स में लिखा हुआ था, ठीक है। और ये इंटू और इक्वल डिवाइडेड बाई 1000 और डिवाइड और इक्वल 826, यस 0.44, यही है। देखो देखो इसमें क्या दे रखा है, 21 में दे रखा है व्हाट इज द एनुअल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू अकुमुलेट ₹20 lakh इन 10 इयर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूटिलाइजिंग ए सिंकिंग फंड विद एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है भैया, देखो फ्यूचर वैल्यू में हमें रिक्वायर्ड कितना है भैया, 20 लाख रुपए चाहिए 10 साल बाद में। तो मैंने बोला था कि अगर फ्यूचर वैल्यू गिवन तो भी फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का, और पूछा जाए तो भी फ्यूचर वैल्यू का, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाऊंगा भैया। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला एंड का बात किया है, किसका बात करा है भैया, 10 ईयर कंट्रीब्यूशन, नो एंड ना बोला ना बिगिनिंग बोला, तो बाई डिफॉल्ट जो लेंगे रेगुलर एनुटी, तो फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू ए इंटू 1+i रेज टू द पावर n -1/i। कंपाउंडेड एनुअली है तो यही होगा। तो देखो ए, ये तो हमें पता करना है, और ये कितना चाहिए 20 लाख, ठीक है। और ये देखो यहां पे ए हमें पता करना है, और 1+i कितना होगा, देखो हमें इसका वैल्यू दे रखा है 10 और 0.06 का, यानी कि ये हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है, आई थिंक यही PNI दे रखा है आपको, और ये दे रखा है, तो आपको केवल इससे डिवाइड करना है 20 लाख को 13.180785 से, इसका पूरे का वैल्यू दे रखा है, इट इज गिवन, ठीक है ना। तो आप देखो अगर मैं इस 20 लाख को देखो अगर करना है डिवाइडेड बाय 13.180785, ये आ गया 15, 17, 36.03, यस यही है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने दे दिया भैया। ये देखो यहां पे वैल्यू दे रखा है इसका 10 और 0.06, इसका वैल्यू दे रखा है, तो ये कैलकुलेट इन्होंने खुद ने ही कर रखा है, ठीक है। और आप कैलकुलेट, तो अब ये कैलकुलेट कर रखा है, तो ये ए चाहिए, तो ये इसके मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, तो डिवाइड में जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा, गॉट इट। अब देखो यहां पे An investor intend purchase a 3-year 1000 par value bond having nominal interest rate of 10%. At what price the bond may be purchased now if it mature at par and the investor require a rate of return 14%? देखो valuation bond का question है। Valuation of bond भी क्या होता है कि भैया annuity है, 10% का interest चाहिए, तो यानी कि 1000 पे 10% का interest कितना हो गया, 100 rupees, ठीक है। और ये 100 rupees कब मिलेगा भैया, उसको 1 साल बाद में मिलेगा, तो इसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, तो 100 1+r कितना भैया, रिटर्न जो हमें चाहिए 14% का, लेकिन ये 100 रुपया मिलेगा 1 साल बाद में। तो मैंने इन एब्सेंस ऑफ एन्यूटी से प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया, फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1+r/100 रेज टू पावर टी। फिर देखो 100 मिलेगा दूसरे साल में भी, लेकिन कब मिलेगा, आफ्टर 2 ईयर, ठीक है। फिर 100 मिलेगा After 3 ईयर, क्योंकि 10% का इंटरेस्ट भी मुझे चाहिए, प्लस देखो 10% नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन
क्योंकि ये जो है एट पार पे होगा, यानी कि 3 साल पे मैच्योर होगा, तो वो 1,000 रुपया भी मुझे मिलेगा, वो भी कब मिलेगा, 3 साल बाद में। और अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, तो देखो इन सब का सम करूंगा तो ये लगभग ये आएगा 907.125, है ना। ये देखो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मुझे इसका डेटा याद है, क्योंकि ये ठीक वही क्वेश्चन है जो आईसीआई मॉड्यूल में दे रखा है एग्जांपल के अंदर, एक ही वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का क्वेश्चन था और वही एज इट इज उठा के दे दिया भैया, ठीक है ना, वही उठा के दे दिया। अब देखो यहां पे ट्वेंटी 4, ए लोन ऑफ 16,550 इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, द वैल्यू ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। लोन को पेड ऑफ किया जा रहा है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। समझ में आ गया एन्यूटी का। लोन क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ टाइम हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू होती है। तो प्रेजेंट वैल्यू गिवन, तो भी फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू का पूछे तो भी प्रेजेंट वैल्यू का। तो देखो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा प्रेजेंट वैल्यू का, और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है पीवी इक्वल टू ए इंटू 1+i^n-1/i। इतना पार्ट तो सेम होता है, लेकिन ये 1+i^n से डिवाइड और होता है, ठीक है, क्योंकि न तो एंड का बात करें ना बिगिनिंग का, तो बाय डिफॉल्ट जो होगा वो कैसा होगा एंड। और इसमें देखो क्योंकि इन्होंने कंपाउंडेड जो है वो कुछ नहीं बोला है, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो है ईयरली है, ठीक है, 10% पर एनम, बस यही दे रखा, कंपाउंडेड नहीं दे रखा, तो यही है, तो बाय डिफॉल्ट ईयरली, तो यही फॉर्मूला लगेगा, कोई चेंज नहीं करेंगे। आई जो होगा वो आर अपॉन 100 ही होगा, और आर कितना है भैया इसका 10, तो 10/100, तो आई तो हो गया 0.1, ठीक है। और टाइम जो होगा इसमें कितनी इंस्टॉलमेंट है भैया, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो ये 3 होगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो देखो ए जो है वो पता करना है कि भैया इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू 16,550, ओके, ए पता करना है, 1+i, देखो आ रहा है 0.1, एन 3-1, और ये आई 0.1, और ये 1.1 की पावर 3। देखो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.1 इंटू और इक्वल 2 पावर, फिर इक्वल 3। देखो हमने इसको मेमोराइज कर लिया क्योंकि नीचे काम में आने वाला, फिर -1 डिवाइडेड बाई 0.1 इक्वल्स, फिर डिवाइडेड बाई एमआरसी क्योंकि ये मेमोरी में है, ठीक है, इक्वल, फिर देखो ये जो है वो यहां जाएगा तो उल्टा डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 16550, ठीक है, इक्वल, लेकिन उल्टा डिवाइड हो गया तो डिवाइड और इक्वल, तो ये आएगा 6655। अरे ये आंसर नहीं, ये रे आंसर तो ऊपर है, 6655 करेक्ट। देखो जिसने भी करा था उसने भी ये लगाया, करेक्ट है उसका भी आंसर। देखो ए परपेचुटी हैज ए कैश फ्लो ऑफ 625 एंड ए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 8% इफ द कैश फ्लो इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 4% पर ईयर, देन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दिस परपेचुटी, इट इज ग्रोइंग परपेचुटी है क्योंकि ग्रो होना चाहिए, इससे तो परपेचुटी का जो आता है 625 हमें चाहिए, तो 625 ये तो हमें चाहिए। और इसमें फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता है, आर अपॉन आई माइनस जी होता है, तो आर हमने लिख दिया 625, ये तो वो है जो हमें रेकरिंग चाहिए, परपेचुटी है जो कैश फ्लो ऑफ दिस, ठीक है। और आई कितना है भैया, आई है इसका 8%, तो 8 डिवाइडेड बाई 100 करूंगा तो 0.08 माइनस 0.04। तो देखो सॉल्व कर लो इसको, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, तो पहले तो देखो 0.08 में से माइनस का 0.04 गया तो 0.04 ही बचा, तो 625 डिवाइडेड बाय 0.04 15,625। देखो सिंपल, एकदम सिंपल पेपर है भैया, एकदम सिंपल पेपर। अगर मान लीजिए कोई पढ़ के नहीं गया तो भैया इससे ज्यादा आसान पेपर नहीं आ सकता,
और मैं जहां तक समझता हूं, क्योंकि मैंने देखा भी नहीं है भैया, इतना आसान पेपर जो एज इट इज मिले आपको। देखो एक दो क्वेश्चन तो थोड़ा सा है, जैसे एक क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था, देखो। इन ए क्लास ऑफ फोर बॉयज एंड थ्री गर्ल्स, दे आर रिक्वायर्ड टू सिट इन रो इन सच वे दैट नो टू गर्ल्स कैन सिट टुगेदर। कंप्यूट इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज दे कैन सिट टुगेदर। नो टू, तो मैंने बोला जैसे ही नो टू आए तो इसका मतलब अलग अलग, और अलग अलग आए तो कंडीशन गर्ल्स के लिए है, तो पहले बॉयज को बैठा दो। बॉय को बैठा दिया, फिर छोड़ दिया, फिर बॉय को बैठा दिया, फिर छोड़ दिया, फिर बॉय को बैठा दिया, फिर छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो बची हुई पोजीशन पे मैं किसको बैठा दूंगा भैया? मैं बची हुई पोजीशन पे गर्ल्स को बैठा दूंगा, ठीक है। तो बताओ गर्ल्स साथ में आई क्या? लेकिन इसमें कंडीशन ये भी बनती है, गर्ल्स यहां से भी तो बैठ सकती थी, और यहां बैठ सकती थी, तो उस कंडीशन में देखो कि ये वाली पोजीशन खाली हो जाएगी, तो बॉय साथ में आगे, कंडीशन बॉयज के लिए थोड़ी है, केवल गर्ल्स के लिए, तो यहां पर भी बैठ सकती है भैया, गर्ल्स यहां बैठ सकती है, यहां बैठ सकती है। तो अब देखो टोटल पोजिशन गर्ल्स के लिए तो होगी फाइव और बॉयज के लिए फोर ही है। तो अब देखो करते हैं हम इसको, तो फोर बॉयज को इन फोर पोजीशन पे बैठाने का तरीका हो गया 4P4, वर कंप्लीटली और मल्टीप्लाई का साइन, और फाइव पोजीशन पे थ्री गर्ल्स को बैठाने का, तो 5P3। सॉल्व कर लेना इसको, तो 4P4 तो फैक्टोरियल 4 होता है, और फैक्टोरियल 4 होता है 24, और 5P3 5 × 4 × 3, 3 × 4 = 5। अब देखो ये करोगे 3 × 4 = 5 × 24, 3 × 4 × 5 × 24, 1440, यही आंसर है भैया, ठीक है। देखो ये सेम क्वेश्चन है, आई थिंक वीएसआई मॉड्यूल में है सेम क्वेश्चन, और आई वीएसआई दैट मींस आईसीआई से हमने लिया है भैया, ठीक है। हाउ मेनी टोटल कॉम्बिनेशन कैन बी फॉर्म्ड? 8 डिफरेंट काउंटर मार्क्ड एज दिस, टेकिंग 4 काउंटर्स एट अ टाइम एंड There being at least one odd and one even number counter in each combination. Yes, ये थोड़ा सा अलग है भैया, तो कुछ तो अलग देंगे भैया। दो बनाने हैं चार चार के, तो कितने तरीके से, लेकिन एटलीस्ट वन ऑड और वन इवन आना चाहिए। तो देखो इवन और ऑड कितने हैं, तो मुझे दिखाई दे रहे हैं इवन भी फोर है, 2, 4, 6, 8, और ऑड भी जो दे रखे हैं वो है 1, 3, 5, 7, ये है, और आपको एटलीस्ट वन ऑड आना चाहिए, वन इवन आना चाहिए। तो देखो चार में से आप एक काम करो, 4 में से एक इवन ले लो, कम से कम आना चाहिए। जब ये एक लोगे तो चार लेने हैं, तो इन चार में से कितने लोगे आप? 3, सिंपल सी बात है। और यहां से जब दो लोगे तो यहां से कितना लोगे? यहां से भी 2, क्योंकि लेने चार ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहां से 3 लोगे तो यहां से कितना लोगे? 1। लेकिन क्या यहां से 4 ले सकते हो? नहीं, 4 लेंगे तो यहां से 0 आएगा, तो ले नहीं सकते। अब इसको सॉल्व कर लेना, सॉरी। तो देखो 4C1 तो 4 होता है, और 4C3 भी 4 होता है। भाई बड़ा है तो छोटा कर लो। 4C2 कितना होता है? 4 × 3 / 2, और 4 × 3 / 2, 4C3 तो 4 ही होता है, और ये भी 4 होता है, तो ये तो 16 और ये भी 16, और इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा ये आ गया हमारा 4 से ये 4 कैंसिल, 4 × 3 = 12, 3 = 36, तो 36 प्लस 32 16 16 32 और 36 68 ए इज राइट आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कौन सा राइट आंसर है? ए। देखो सिंपल सा पेपर आया है, हालांकि ये क्वेश्चन अलग था। अब हैंडशेक का तो देखो वैसा का वैसा आ गया। देखो इसमें क्या दिया है हमें, इसमें दे रखा हमें इन ए पार्टी एवरी पर्सन शेक हैंड विद एवरी अदर पर्सन। If there are 105 handshake in total, find the number of person in the party. Total handshake कितने हैं? 105. देखो handshake करने में order का importance ही है? नहीं है. तो क्या लगाएंगे हम? C. तो देखो total, तो हमने माना कि total number of person in the party भी N and N C, और 2 person required है, और ये 105 हुआ,
तो आप देखो कि n का वैल्यू हम क्या लिखें कि ये 105 आ जाए, तो ऑप्शन से देखते हैं ये 14 लिखा हमने, तो 14C2, और 14C2 कितना होता है, 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 13 इंटू 7, ये तो नहीं हुआ भैया, 13 तो नहीं है, तो 15 करो, सॉरी 14 तो नहीं है, तो 15 करा तो 15C2 105, तो 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2, यस ये आ गया भैया 105, ठीक है, तो आंसर इज 15, ठीक है, आंसर कितना आ गया 15, यस, देखो 28 नंबर, ए सिलेक्शन इज टू बी मेड फॉर वन पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड टू पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल अमॉन्ग द सिक्स कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, ओनली टू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल वाइल द ऑल सिक्स एलिजिबल फॉर द प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल कॉम्बिनेशन फॉर द सिलेक्शन, तो देखो 6 में से 2 जो हैं वो एलिजिबल हैं प्रिंसिपल के लिए, तो और वाइस प्रिंसिपल के लिए ऑल सिक्स आर एलिजिबल फॉर वाइस प्रिंसिपल, तो एक हमें लेना है प्रिंसिपल, सिलेक्शन इज वन पोस्ट फॉर प्रिंसिपल टू पोस्ट, तो देखो वन कहां से आएगा, इन टू में से आएगा, लेकिन ऑर्डर का इंपॉर्टेंस सी, सिलेक्शन करना नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर सिलेक्शन, तो 2C1, लेकिन दो में से एक आ गया, तो एक तो यहां गया, अब एक यहां से बच गया, और देखो कि यहां पे जो थे कि चार आप इन वाइस प्रिंसिपल चार मान लो एक तो, लेकिन एक ये भी एलिजिबल है अभी वाइस प्रिंसिपल के लिए, तो चार तो ये और एक ही है, पांच हो गए, तो पांच में से आप क्या ले लो, दो वाइस प्रिंसिपल ले लो, ठीक है, तो एक प्रिंसिपल ले लिया आप, क्योंकि चार वाइस प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल है, लेकिन इनमें से जो प्रिंसिपल है वो भी वाइस प्रिंसिपल के लिए, तो एक ही आएगा एट ए टाइम, तो चार और एक पांच, पांच में से दो ले लो, क्योंकि दो वाइस प्रिंसिपल लेना है, तो 2C1 तो 2 होता है, 5C2 होता है 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2, 20, तो 20 मेथड होंगे भैया, देखो ए रोड साइड टी स्टॉल मर्चेंट बोरो रुपीज 9000 एट 2.76% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट आर टू बी पेड इन 10 मंथली इंस्टॉलमेंट, व्हिच इंस्टॉलमेंट इज डबल देन द प्रीसीडिंग वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट जो है वो डबल है भैया, तो हम क्या करें भाई, देखो ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, तो पहले तो आप देखो क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, तो आप पहले तो कैलकुलेट कर लो कि टोटल बनेगा कितना, तो टोटल कितना बनेगा, तो पी आर टी अपॉन 100, तो पी आर टी, टी कितने टाइम के लिए है भैया, टी स्टॉल बोरोज और द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट आर टू बी पेड इन 10 मंथली इंस्टॉलमेंट, 10 मंथली इंस्टॉलमेंट में पे ऑफ करेगा, इफ ईच इंस्टॉलमेंट इज डबल, तो टाइम जो है वो हम ले लेते हैं 10 मंथ्स, ठीक है, ठीक है, और पी आर टी अपॉन 100, ठीक है, तो पहले तो आप इसको कैलकुलेट करो कि ये कितना बन रहा है भैया, तो 9000 मल्टीप्लाइड बाय 2.76 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये बन गया 2484, ये और बन गया, अब ये सारा का सारा जो है 10 मंथ्स में है, तो ये 10 मंथ्स तो डिवाइडेड बाई 12 ही करना होगा भैया, 10 मंथ्स है क्योंकि 10 डायरेक्ट लिख देंगे तो ये तो ईयर में हो गया, तो 10 डिवाइडेड बाई 12 करना होगा, तो डिवाइड बाई 12 ही करना होगा, तो ये आ गया 207, कितना आ गया 207, ये इंटरेस्ट बना, अब हमें इसको पे ऑफ करना है 10 मंथली इंस्टॉलमेंट में, तो हम ये मानते हैं कि पहला इंस्टॉलमेंट तो है ए, फिर कितना होगा 2A, और फिर कितना होगा डबल है तो 4A,
ठीक है, हर बार जो होगा वो पुराने वाले से क्या हो जाएगा, डबल, और 10 इंस्टॉलमेंट में वो ऐसा करेगा। ठीक है, तो देखो ए टू ए फोर ए फिर 8A, ठीक है, फिर कितना आ गया अभी 16, फिर कितना आएगा 32, फिर कितना आएगा 64, ठीक है, और फिर कितना आएगा 128, फिर आएगा 256A, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आएगा 512A। देखो जो क्वेश्चन को मैं समझ पा रहा हूं, आई थिंक ये ऐसा ही होना चाहिए, प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट आर टू बी पेड इन 10 मंथली इंस्टॉलमेंट, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो हमें क्लियर कट नहीं दे रखा कि भैया कितने ईयर के लिए लिया है ना, और कितने टाइम के लिए, तो मैंने 10 मंथ से ही कैलकुलेट किया है। और इफ इट्स इंस्टॉलमेंट इज डबल देन द प्रीसीडिंग वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। देखते हैं, देखो अब ये इन सबका जो सम है वो होना चाहिए भैया 9000, तो ये तो 9207 है ना, और फिर हम ए का वैल्यू निकालेंगे, फिर 212 ए का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो पहले तो इसका सम करो आप, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512 + तो ये आ गया 1023A और 9207, तो A कितना हो गया 9207 डिवाइडेड बाई 1023, तो डिवाइडेड बाई 9207 डिवाइड और इक्वल, तो ये आ रहा है लगभग 9 आ रहा है क्या, यस, तो ये लगभग कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है, तो 9 आ गया, ए का वैल्यू 9 आया। तो अब आप देखो कि ए का वैल्यू अगर 9 है तो हमें चाहिए कौन सा इंस्टॉलमेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, 212A, यानी कि 512 इंटू ए का वैल्यू है 9, 4608, करेक्ट भैया, यही है, यही मतलब था इसका। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं भी आपके साथ में पहली बार ही कर रहा हूं, लेकिन गुड, जो समझ में आया वो यही समझ में आया। तो देखो उसने ऐसा दिया, ठीक है, तो आंसर होगा ये 4608। थोड़ा सा लेंदी है, हमने पहले सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया इंटरेस्ट, और उसमें हमने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, तो इन सबका है जो ये, क्योंकि उसने बोला डबल है तो हमने इस तरीके से किया इसको। अच्छा क्वेश्चन, गुड, दो क्वेश्चन बढ़िया। अब देखो यहां पे थर्टी 31 32 एपीजीपी की क्वेश्चन है। इफ फोर an infinite GP, first term is A, common ratio is R, then the sum is 8, then second term is 7/8, then infinite geometric progression, ठीक है, वो क्या होता है A upon 1 minus R, और sum is given, sum is 8, ठीक है, और second term 7/8 दे रखा है, तो GP का second term होता है AR, और वो दे रखा हमें 7/8, ओके, तो अब क्या करो, अब आपको जो चाहिए देखो कि A कितना है और वो कितना है, तो वैल्यू पुट करके देख लो ना, कहां दिक्कत आ रही है भैया, मुझे दिख रहा है ये 3, तो 3 8 जा, ठीक है, 7/8 आ रहा है दोनों का प्रोडक्ट, लेकिन ऊपर A 3 है, नीचे R जो है 7/24 होगा, तो 8 आना चाहिए। अब देखता हूं ये 8 आता है क्या, देखो 3 24 - 7 और ये 24 यहां आ गया, तो ये 24 हमने यहां लिख दिया, और ये देखो 8 आता है क्या, तो देखते हैं आता है क्या, तो
तो 24 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 7, 4 एक गया, 3 एक गया, 17। नहीं भैया नहीं आ रहा। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 7/8 आ रहा है, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो ये होगा, फिर देखो ये होगा क्योंकि इनमें हम प्रोडक्ट देख रहे हैं तो है ही नहीं, केवल इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट ही 7/8 है। अब इसमें रख के देख लो, अब देखो ये रख के देखता हूं, A7 और R जो है वो 1/8, तो देखो 8 आता है क्या। तो देखो यहां पे देखा 7 और 1 में से 1/8 गया तो कितना आया, 7/8, यस आ गया ना, 7/8 यस आ गया। तो 8 - 1 = 7 और ये बाई 8 तो ऊपर चला गया, ये 8 तो ये आ गया, सी इज राइट आंसर। ठीक है, वैल्यू पुट करके देखना था, तो ये तो मैंने बहुत सिखाया आपको। द नंबर एक्स 8y आर जीपी, द नंबर xy -8 आर इन एपी, द वैल्यूज ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली शैल बी। वैल्यू पुट करके देख लो भैया कौन सा आ रहा है कि ये जीपी में आ जाए। तो पहला देखो 16, 8 और 4, बताओ जीपी में है क्या, यस 4 2 8 2 16, यस, लेकिन ये एपी में होना चाहिए। तो देखो 16 फिर 4 फिर -8, कितना कम हुआ इसमें से, इसमें से -12 कम हुआ। ठीक है, और यहां पर भी ये -12 कम हो रहा है, यही है भैया, ए इज राइट आंसर, कम हो रहा है ना, 16, 4, -8, इनमें डिफरेंस कितने का है भी? -8 + 12 करो तो -8, 8 - + 12 करेंगे तो देखो 4 आएगा, आ गया। फिर इसमें आप क्या करो, 4 में + 12 करो, 16 आ गया, एपी में है और ये 4 2 8 2 16 जीपी में दिख रहा है, गुड, यही है भैया, सिंपल। वैल्यू पुट करके देखना, इफ फोर्थ टर्म ऑफ एपी सीरीज इज 0 then what is the ratio of 25th term to 11th term? ये देखो fourth term जो दे रखा है किसका, AP का, AP का fourth term होता है A+3D, tenth A+N-1 × D होता है, तो A+3D is 0, ये हमें दे रखा है। ठीक है, और ये कह रहा है कि what is the ratio of 25th term to 11th term, तो देखो लिखो उसको 25th term को, 25th टर्म होगा A+24D और 11th टर्म जो होगा वो होगा A+10D। ठीक है, अब इन्होंने जो दे रखा है कि इसका रेशियो क्या होगा, तो आपको देखो कि आप A = 3D लिख दो, A = -3D हो गया, तो A/D कितना आ गया, -3/1 आ गया। ठीक है, और रेशियो में गिवन है और रेशियो में पूछे, क्यों, क्योंकि ये रेशियो में पूछा था तो मैंने इनका क्या निकाल लिया, रेशियो, मैंने आपको बोला था कि रेशियो में, क्योंकि मुझे टारगेट दिख गया कि भैया ये रेशियो में पूछ रहा है, इसका मतलब मुझे ए और डी का रेशियो पता चल जाए, तो मैं उधर ले गया, तो -3/1, तो आप ए की जगह तो लिख दो -3 और डी की जगह लिख दो 1, तो ए की जगह -3 और डी की जगह 1 लिखा तो ये देखो ये आ गया, ए की जगह -3 और डी की जगह 1 लिखा तो ये आ गया, तो ये तो हो गया 21 और ये हो गया 7 और ये कितना आ गया 3, 3 इज राइट आंसर। ठीक है, देखो कुछ अच्छे क्वेश्चन है नो डाउट, बाकी एज इट इज आपको दिखेंगे, वैल्यू पुट करने वाले देखो आपको दिखाई दिए यहां पे, देखो 33, 34, में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, देखो ये प्री पी वाई क्यू का क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है, तो देखो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से दिख रहा है, यानी रिफ्लेक्सिव तो है भैया, रिफ्लेक्सिव है। अब हमें देखना है कि रिफ्लेक्सिव है तो या तो ये है या ये है, अब ये ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक नहीं है वो देखना है कि ट्रांजिटिव नहीं है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक का देख लो पहले, तो क्वेश्चन के आंसर या तो ये है या ये है। अब देखो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इनका रिवर्स मौजूद होना चाहिए, देखो इनका रिवर्स मौजूद है क्योंकि इनका रिवर्स करेंगे तो 1 1 का 1 1, 2 2 का 2 2, 3 3 का 3 3,
वन टू का क्या मौजूद होना चाहिए, टू वन, क्या टू वन मौजूद है क्या, नहीं है, तो भैया सिमेट्रिक नहीं है ये, रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखो यहां पे दे रखा है fx equals to x square plus x minus 1 और 4fx, देखो ये भी क्वेश्चन वैसा का वैसा है, तो आप देखो लिखो 4fx, fx का वैल्यू लिख दो x square plus x minus 1 equals to f2x, तो जहां जहां x है वहां 2x लिखेंगे, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x minus 1, अब सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 4x square plus 4x minus 4 equals to 4x square plus 2x minus 1, ये कैंसिल हो गया, ये इधर आया तो 2x हो गया, ये उधर गया तो प्लस का 4 माइनस का 1 यानी कि 3 हो गया, तो x कितना हो गया भैया 3/2 हो गया, राइट आंसर इज ए, ओके। देखो यहां पे मुझे जो दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है कि भैया आपके पास होने में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने क्लासरूम में रेगुलर अगर आप आए हैं और ध्यान से सुना है ना, और जितने क्वेश्चन करवाए उतने भी कर लिए ना, तो भी पास हो आप लोग। ए सेट कंटेन एन एलिमेंट देन द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, वो होता है 2 की पावर n, टोटल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, लेकिन प्रॉपर एक नहीं होता, तो 2 की पावर n माइनस 1, ये देखो ये पावर में ही n माइनस 1 है, ये पावर में नहीं नीचे है, तो ये वाला होगा करेक्ट 2 की पावर n माइनस 1, ये तो सिंपल फॉर्मूला ही है। ए टाउन हैज टोटल पॉपुलेशन ऑफ 50,000 आउट ऑफ 28,000 रीड द न्यूज़पेपर x, 23 न्यूज़पेपर y, व्हाइल 4,000 रीड बोथ द न्यूज़पेपर, द नंबर ऑफ पर्सन नॉट रीडिंग एनी ऑफ द टू न्यूज़पेपर r, देखो आप अगर इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया क्वेश्चन तो वही है लेकिन जो बात पूछनी थी वो कुछ अलग पूछ ली। देखो वहां पे भी क्वेश्चन है, 50,000 है तो टोटल जो दे रखा है वो किसके लिए दे रखा है, 50,000 के लिए, तो यूनिवर्सल सेट। 28,000 पेपर कौन पढ़ता, एक्स न्यूज़पेपर जो है 28,000, ये हमने बना लिया, और 23,000 जो हैं वो ये पढ़ते हैं y, ठीक है, while 4,000 read both the newspaper, दोनों पढ़ने वाले 4,000 हैं, तो देखो पहले तो ये निकालो, दोनों पढ़ने वाले 4,000 हैं तो केवल x पढ़ने वाले 24,000 हैं, और केवल y पढ़ने वाले जो हैं 23 माइनस 4,000 तो 19,000 हैं, ठीक है। अब इन सब का सम जो आना चाहिए वो 50,000 आना चाहिए, नहीं तो फिर यहां पे भी कुछ मौजूद है, द नंबर ऑफ पर्सन नॉट रीडिंग एनी ऑफ द टू न्यूज़पेपर, ये वाला ही निकालना है, तो आप देखो कि यहां पे 24,000, 4,000 और 19,000, इन सब का सम देखो कितना है, तो 19, 4, 23, 23 और तो ये 47,000 हो गया भैया, 47,000, एम आई करेक्ट, तो अभी तो कोई बताने वाला भी नहीं है भैया मेरे को, 4, 4, 8, 4, 4, 8, 8, 16, 1, 17 और 2, 1, 3, 1, 4, यस 3,000 हो गया भैया, तो ये 47,000 हुए तीनों का सम, तो ये नहीं है आ रहा है, तो इसका मतलब ये कितना है 3,000, देखो सिंपल से क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में क्वेश्चन भी यही था उसमें भी, नॉर्मल में भी यही था, डी वाई बाई डी एक्स एट 2, 2, देखो आपसे जो पूछा है इसके अंदर x की पावर y और y की पावर x इक्वल्स टू 16, ठीक है, इसमें हमें dy by dx निकालना है एट द पॉइंट ऑफ 2, 2, ठीक है। देखो यहां पे ठीक है देखो कैसे करेंगे इसको, यहां पे देखो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, ठीक है, तो मैंने लिया लॉग x की पावर y इंटू y की पावर x इक्वल टू लॉग 16,
और फिर क्या करेंगे, क्योंकि log m into n होता है तो log x की पावर y प्लस log y की पावर x इक्वल टू log 16, और फिर देखो क्या आ जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी तो y log x प्लस ये क्या आ जाएगा x log y इक्वल टू log 16। अब क्या करेंगे, बाई टेकिंग नहीं टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करना, x के। तो देखो हम करते हैं इसको y, तो ये फर्स्ट सेकंड से होगा, ये भी फर्स्ट सेकंड से होगा, फर्स्ट इनटू सेकंड। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कि 1 अपॉन x प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट का करेंगे तो y का 1 लेकिन एक बोनस dy by dx प्लस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड 1 अपॉन y लेकिन एक बोनस dy by dx प्लस सेकंड log y ऐसे कैसे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 और log 16 का कितना होगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखो यहां पे मुझे dy by dx की वैल्यू चाहिए तो dy by dx वाले तो यहीं पे रखो और इनमें से देखो कॉमन आएगा एक तो x by y प्लस log x और ये वाली चीजें उधर जाएगी तो देखो ये माइनस का तो y by x और माइनस का ही log y और आपको चाहिए dy by dx तो देखो dy by dx इक्वल टू तो माइनस का y by x माइनस का log y अपॉन x upon y plus log x। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, देखो 2 2 पुट करूंगा तो देखो माइनस 2 by 2 माइनस log 2 फिर 2 by 2 plus log 2 यहां पे देखेंगे तो ये 1 आ गया तो ये आ गया माइनस 1 माइनस log 2 और ये आ गया 1 plus log 2 ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 plus log 2 और नीचे 1 plus log 2 पहले से ही है कैंसिल हो गया तो कितना आ गया माइनस का 1 तो देखो आंसर हो गया माइनस का 1। ठीक है तो देखो जिनको मैथ्स आती है जिन्होंने 11 12 में ले रखी थी उनको ये डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन आसानी से आते हैं तो उन्होंने कर दिया होगा। मैंने हिंट दे ही रखा है आपको कि भैया वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो आप क्या करोगे दोनों तरफ लॉग लेंगे आप। ठीक है अब देखो यहां पे ये देखो ये आ गया। मैं हमेशा कहता हूं कि भैया ये पैरामेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाता है और आसानी से आप कर सकते हो तो ये ध्यान रखें। देखो x इक्वल टू टी स्क्वायर y इक्वल टू टी क्यूब और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी दो बार करना है तो आप क्या करोगे राइट साइड का करेंगे तो इसका तो कितना आएगा 2t और देखो ये तो आ गया इस वाले का और इसका करेंगे तो इसका कितना आ गया 3t स्क्वायर। ठीक है एक बार और करना है तो ये तो 2 और ये कितना आ गया 60। ठीक है तो अब यहां पे हमने कर दिया 2 और ये 60 तो दो दो बार कर दिया भैया लेकिन हमें चाहिए dy by dx तो ऊपर तो लिखो y वाला पहले तो 60 अपॉन 2 तो कितना आ गया 3t। यहां तो दे ही नहीं रखा देखो कोई गलत तो नहीं किया हमने x दे रखा है t स्क्वायर का कितना होगा 2t। ठीक है और टी क्यूब का कितना होगा 3t स्क्वायर। ठीक है तो एक बार देखो इसको लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स जो आया वो कितना आ गया वो आया है हमारा 3t स्क्वायर अपॉन 2t तो टी से ये कैंसिल तो ये आ गया 3t बाई 2। यस अब एक बार और करेंगे तो ये आएगा 3/2 ऐसे कर लो एक बार और करेंगे तो देखो एक बार तो ये आया अब जो आ गया क्योंकि सॉल्व करने के बाद में जो आ रहा है तो ये 3/2 आ रहा है क्योंकि इसका तो 3/2 तो कांस्टेंट आ गया ना 3/2 तो कांस्टेंट है और एक बार और कर दिया तो टी का कितना 1 तो 3/2 तो राइट आंसर इज डी। आप ऐसे करें है ना दो बार ऐसे इसका अलग करने की बजाय एक बार जब कर लो उसके बाद में दोबारा एक बार और कर लो। ठीक है तो दोबारा करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो इसका एक बार और तो 3/2। हम देखो यहां पे 39 का आंसर देखेंगे तो देखो ये तो फॉर्मूला ये है भैया एक्स लॉग एक्स माइनस वन को ई लिख देंगे तो देखो बी इज राइट आंसर और प्लस सी तो लगाना जरूरी है एक्स बाई ई एक्स 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 तो आएगा ही आएगा यस एक्स लॉग एक्स यस बी इज राइट आंसर। ठीक है 39 का आंसर कौन सा होगा बी
मैंने कट नहीं किया है, तो ये ध्यान रखना 39 का आंसर कौन सा होगा, बी। आप देखो यहां पे 40 नंबर, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल 1/x/x5 है तो देखो 1/5 वाला कौन सा है, तो ये देखो बी आंसर हो जाएगा भैया। कौन सा आंसर होगा इसका, बी, क्योंकि 5 है तो देखो ये फॉर्मूला बेस्ड आपको ध्यान है, तो ये 5 तो ये 1/5 log x की पावर 5 x की पावर 5 प्लस 1, बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखो यहां पे ये मैथ्स का तो हमारा कंप्लीट हो गया भैया, और इनके आंसर दे दिए भैया। इसका भी देखो ध्यान रखना, इसका भी बी और इसका भी बी है। अब ये रीजनिंग वाला पार्ट स्टार्ट होता है, देखो 1/1 करके हम देखते हैं इसको, रीजनिंग वाले को भी फटाफट देखो। देखो क्या दे रखा है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 2, 5, 11, 23, 47। पहले तो देखो ये डबल नहीं है, नहीं डबल से भी ज्यादा है भैया, डबल क्या नहीं है, लास्ट टर्म को तो डबल से ज्यादा है, तो प्रोडक्ट करके देखो, तो आपको दिखाई देगा कि भैया प्रोडक्ट करने पर बिल्कुल 2 2 4 + 1 दिख रहा है, 5 2 10 + 1, 11 2 22 + 1, 23 2 46 + 1, तो 47 × 2 + 1 करना है। तो देखो 47 × 2 + 1 = 95, बी इज राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ TAP इज कोडेड एज ZO, देन फ्रेंड FRIEND। ठीक है, तो पहले तो देखो आप इसमें क्या करेंगे, उन्हीं अल्फाबेट के जंबल से तो नहीं बनाइए हमने देखा, और इसके राइट अपोजिट तो नहीं है, तो टी का राइट अपोजिट क्या होता है भैया, जी, दिख ही नहीं रहा। ए का क्या होता है, जेड, वो तो दिख रहा। पी का क्या होता है भैया, पी, के का, पी का होता है के। ठीक है, तो राइट अपोजिट तो एक का दिख रहा है, बाकी का नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब हो भी सकता है कोई कोइंसिडेंट हो, तो आप इसकी पोजिशन लिख दो, तो टी का तो 20, ए का 1, और पी का कितना होता है भैया 16, और आप इसमें देखो ये 19 आ रहा है, ये 26 आ रहा है, और ये 15 आ रहा है, तो देखो -1 चल रहा है भैया, -1 चल रहा है, तो इसमें भी -1 चला दो, तो -1 चलाएंगे तो F का जो होगा वो कौन सा होगा, E, -1 करेंगे तो देखो E आता है, R से पहले क्या आएगा, PQ। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो EQ, अब इसमें I से पहले क्या आएगा, यहां तो I लिखा हुआ है, तो ये कौन सा होगा, H। अब देखो H I D E M N C D, तो ये आगे देखो दिखाई दे रहा है, तो सिंपल सा IQ बेस्ड क्वेश्चन है, तो सब में -1 हो रहा है, एक प्रीवियस वाला हमें लिखना है। देखो से 45 नंबर, फाइंड द ऑड मैन आउट द फॉलोइंग सीरीज 7, 23, 47, 119, 171, 287। देखो आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अनइवन बढ़ते बढ़ते कम हो जाएगा, तो आपको यहां पे प्राइम सीरीज का कंसेप्ट देखना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है VSI मॉड्यूल में, तो एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, यहां 25 से पकड़ो 5 का स्क्वायर -2 हो रहा है, तो ये जो है प्राइम नंबर, तो 3 का स्क्वायर -2, ये क्या होगा 7 का स्क्वायर -2 दिख रहा है हमें, तो ये कितना होगा, 7 के बाद में कौन सा आता है 11 का स्क्वायर -2, ये प्राइम नंबर चल रहे हैं भैया, फिर ये 13 का स्क्वायर -2, अरे है ही नहीं, तो ये तो गड़बड़ है, 171 ही गड़बड़ है भैया, देखो ये ही गड़बड़ है, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 - 2, तो वो होना चाहिए भैया 167, ये गलत दे रखा है, इसमें प्लस 2 कर दिया। ठीक है, अब 44 देखो, ऑड मैन आउट ही देखना था, यस, इन ए सर्टेन कोड रिपल इज रिटन एज दिस, लाइफ इज रिटन एज दिस, हाउ इज पिलर, तो पहले तो ये देख रहे हैं कि उन्हीं के जंबल से तो नहीं बना है, तो देखो हमें दिख रहा है पी, तो पी को इस्तेमाल करा गया 3, तो पी 3 है, तो ये देखो 3 एक ही बार आएगा, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि P जो दिख रहा है वो यहाँ पे 3 3 दिख रहा है हमें, PP। ठीक है, अब I जो है वो देखो, I को 1 लिखा हुआ है, तो 1 किस में, इसमें भी है। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे डबल L है
तो एल को एट लिखा हुआ, डबल एट तो यही है भैया। आपको दिखाई देगा कि ये वाला नहीं है, क्योंकि ये डबल एल आ रहा है तो डबल एट आ रहा है, ये वाला हो गया। सिंपल सा पेपर, एकदम सिंपल, ठीक है। रीजनिंग के भी क्वेश्चन बड़े आसान, देखो ए जेड जी टी एम एन वाई बी ई बी द वैल्यू ऑफ ब्लैंक स्पेस विल बी। तो आप देखो पोजीशन लिखोगे तो ए कितना चल रहा है, वन, जी जो चल रहा है, देखो मैं इसका कलर चेंज कर दूं, ये ले लेते हैं, ए वन चल रहा है, जेड 26। अच्छा ये तो राइट अपोजिट है ए जेड जी टी एम एन, देखो कितना आसान, बी वाई ई बी। अब लेकिन यहां पे ये देखना है कि भैया ये तो राइट अपोजिट तो चल रहे हैं, राइट अपोजिट में कौन है, यहां पे देखो ये हनी सिंह, ये राइट अपोजिट टी एस है नहीं, एस करके नहीं है, जे का एच राइट अपोजिट होता है क्या, जे का क्या होता है, जे क्यू है ना, ये भी नहीं है, यही है राइट अपोजिट चल रहा है हनी सिंह। देखो कितनी आसानी से आपको सारी चीजें आएगी अगर आपने सारी बातें ध्यान से सुनी है तो। राइट अपोजिट चल रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन बड़े बड़े हैं भाई। देखो देखते हैं, फोर्टी सिक्स नंबर में इन ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग वन ऑफ ऑन वन फ्लोर देयर आर सिक्स फ्लैट इन टू रो फेसिंग ईस्ट एंड वेस्ट एंड दे आर अलोटेड ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, ईस्ट और वेस्ट फेसिंग है, ठीक है, एंड दे आर अलोटेड ए बी सी डी ई एफ, बी गेट्स एन ईस्ट फेसिंग फ्लैट। देखो ये वाला जो होता है वो ईस्ट होता है, ये वाला क्या होता है, वेस्ट। अब उसने अगर ईस्ट फेसिंग फ्लैट देखा है तो इधर की तरफ है, यानी कि ये थ्री है और तीन इधर है, ठीक है, which is not next to D. देखो B gets an east facing flat. तो B जो होगा वो जो है वो किसका पड़ोसी नहीं है भैया, which is not next to D. D के अगला नहीं है, तो D के अगला नहीं है, तो देखो अभी हमने ये बना दिया कि B जो होगा वो इस जगह पे होगा, क्योंकि इसका face इधर है, ये इसका face इधर है, ठीक है, ये west facing है, ये east facing है, तो देखो B जो होगा वो इस जगह पे होगा कहीं पे, तो हमने देखो एक बार की इसको ऐसे डाल दिया, लेकिन साथ में बोला कि डी के वो अगला नहीं है, डी के अगला नहीं है, तो देखो डी जो होगा वो इधर इधर नहीं होगा, तो ये बी यहां होगा, तो डी जो है वो यहां होगा एक बार भी, क्योंकि हो सकता है मैं भी डी बी या तो यहां हो या फिर इधर हो। एफ एंड डी गेट्स डायगोनली अपोजिट फ्लैट, तो ये डी है तो एफ हमने यहां रख दिया है ना, एक बार की डायगोनली अपोजिट फ्लैट, ए गेट्स वेस्ट फेसिंग फ्लैट, ठीक है, ए जो है वेस्ट फेसिंग है, एंड ई गेट्स एन ईस्ट फेसिंग फ्लैट, तो ई को हमने यहां डाल दिया, ए को वेस्ट फेसिंग मिला, तो ए यहां पर है या फिर यहां पर है, ठीक है। अब देखो ए गेट्स वेस्ट फेसिंग फ्लैट और ई गेट्स एन ईस्ट फेसिंग फ्लैट, ठीक है, ईस्ट फेसिंग। अब देखो हूज फ्लैट इज बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में, तो इसका मतलब ये यहां पे ये ब्लैंक कर दिया उसने, ए यहां रखा उसने, ठीक है, तो ए की जगह तो नाम क्या क्या थे भैया, देखो नाम थे ए बी सी डी ई, ए बी सी नहीं आया, तो ये सी हो गया, तो हम कौन सा लिखेंगे भैया, हूज फ्लैट इज बिटवीन ए एंड एफ, तो ए एंड एफ के बीच में कौन सा, सी, तो देखो सी आ गया, क्योंकि जो पॉसिबिलिटी बन रही थी उसके हिसाब से हमने देखा, ठीक है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा है उसके लिए इतनी इंफॉर्मेशन सफिशियंट है भी। देखो थोड़ा सा रीजनिंग के लिए मैंने पहले भी बताया था कि ये टाइम टेकिंग हो सकता है, इसलिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट कैलकुलेशन होगा। देखो नाम बदले हैं भैया इसमें, तो ये तो वही क्वेश्चन लग रहा है मुझे,
बाल कृष्ण इज रितिक नेबर एंड हिज हाउस इज 200 मीटर अवे इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. तो देखो पहले तुम डायरेक्शन बनाओ, ये वेस्ट ये नॉर्थ, ठीक है, ये ईस्ट और ये साउथ, ठीक है, ये देखो एक डायरेक्शन और. अब ये कह रहे हैं बालकृष्ण ऋतिक का नेबर है और उसका घर यानी कि बालकृष्ण का घर जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है ऋतिक के घर से. तो ये बालकृष्ण और ये हमने बना दिया ऋतिक, देखो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, तो नॉर्थ वेस्ट ये वाला 200 मीटर 200. अब देखो जयेंद्र इज ऋतिक नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन. और ये कौन है, जयेंद्र है, ऋतिक का नेबर है. तो ये देखो ये 90 डिग्री एंगल, लगभग 90 डिग्री एंगल पे हमने क्या बना दिया, जयेंद्र का घर, ठीक है, ये हमने बना दिया, ठीक है, साउथ वेस्ट था तो साउथ वेस्ट, ठीक है. फिर देखो गिरधारी जयेंद्र नेबर एंड ही ईस्ट 200 मीटर इन साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट. और ये कौन है, गिरधारी. तो ये देखो ये यहां पे 90 डिग्री गिरधारी, नाम ही बदले भैया. ऋतिक इज गिरधारी नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये हो गया. और वो कौन है भैया, ऋतिक, ऋतिक इज गिरधारी नेबर. फिर से ऋतिक आ गया. एंड वेयर इज द पोजिशन ऋतिक, देखो ये यहां पे इन्होंने गड़बड़ कर दिया लिखते लिखते, फिर से नाम ऋतिक लिख दिया, फिर से नाम ऋतिक लिख दिया, ये गड़बड़ कर दिया इन्होंने. तो ये तो बोनस मिलेगा भी आपको. ऋतिक इज गिरधारी नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन नॉर्थ ईस्ट. तो नॉर्थ ईस्ट में भैया तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इसका नाम तो ऋतिक हमने रख लिया और इसका नाम वापस से ऋतिक आ गया. तो भैया दो ऋतिक तो हो नहीं सकते क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट है तो यू तो यहां से बनेगा इसका. देन वेयर इज द पोजिशन ऑफ ऋतिक हाउस इन रिलेशन टू बालकृष्ण. लेकिन देखो कि ये ऋतिक हो चाहे ये ऋतिक हो तो आंसर तो एक ही आ जाएगा इसका, ये क्या होगा, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में होगा. तो देन वेयर इज द पोजिशन ऑफ ऋतिक हाउस इन रिलेशन टू बालकृष्ण. तो ऋतिक हाउस इज इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, कौन से में होगा, साउथ ईस्ट. तो देखो ये ए आंसर आ गया. लेकिन यहां पे ये नाम ऋतिक नहीं होना चाहिए भैया, इसका नाम कुछ और होना चाहिए. तो मे बी आपको बोनस मिले इसमें, है ना, क्योंकि दो ऋतिक तो हो नहीं सकते. देखो इन्होंने नाम बदले तो ये गड़बड़ कर ही दी. ये होता ही है क्वेश्चन बनाते वक्त, मैं देखो 48 नंबर, दोनों ही ले लेते हैं. देखो क्या बोला है, अजय स्टैंड ऑन हिज हेड विद हिज फेस टुवर्ड्स नॉर्थ इन विच डायरेक्शन विद हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट. देखो मैंने इसके लिए आपको टेबल बनवाई थी भाई, मैंने बोला था एफ एस एस एफ, ठीक है, और वेस्टर्न रेलवे, ठीक है. तो ये देखो ये एक्चुअल में क्या था कि एफ तो ये तो फेसिंग के लिए था, ये जो था स्टैंडिंग के लिए था, ये जो है साउथ के लिए था, और यहां नॉर्थ बनाना था आपको, ठीक है. ये जो स्टैंडिंग ऑन फीट था और यहां बनाना था हेड, ठीक है, और यहां पे ये लेफ्ट बनाना था. ये वेस्ट में है तो ये किधर होगा भैया, वेस्टर्न रेलवे तो वेस्ट में है, तो ये देखो ये जो होगा वो ईस्ट में होगा, ठीक है. तो ये चीज मैंने आपको टेबल बनवाई थी यहां पे, और मैंने बोला था कि फेसिंग साउथ, साउथ फेसिंग, ठीक है, और फेस नॉर्थ को कर दें हेड. तो ये चीजें जो है वो बदलती नहीं है, टेबल एक ही बनाना था. अगर ये मैच करती है तब तो यही है, नहीं मैच करती तो इसका रिवर्स होगा. देखो अजय स्टैंड ऑन हिज हेड, स्टैंड ऑन हिज हेड, तो देखो ये फेस टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ, तो देखो ये मैच कर गया. तो अब उसने क्या बोला, मैच कर गया तो लेफ्ट हैंड पॉइंट किधर इंडिकेट कर रहा है भैया, ईस्ट में. तो ये आंसर हो गया. मैच नहीं करता तो फिर दिक्कत होता. देखो अगर मैं वैसे भी आपको बताऊं कि स्टैंडिंग ऑन हिज हेड होगा और फेसिंग नॉर्थ होगा, तो मैं देखो अभी फेसिंग साउथ हूं और जैसे ही अपना सर इधर करूंगा तो देखो मेरा जो राइट हैंड है वो तो है वेस्ट में और लेफ्ट हैंड जो है वो किधर है, ईस्ट में. तो ये लेफ्ट हैंड ही पॉइंट पूछा ईस्ट में. लेकिन ये टेबल बनाने से आपका फॉल्स कैलकुलेशन होता है. देखो अब वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, मॉर्निंग
ए एंड बी आर टेकिंग टू टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस वेरी क्लोजली एट क्रॉसिंग पॉइंट इफ बीज शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ ए इन विच डायरेक्शन बी वॉज फेसिंग. देखो दिमाग को शांत रखने के लिए बोला है, देखो सनराइज फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट से सनराइज होता है ठीक है, और यहां से शेडो जो बनेगा वो इधर बनेगा. तो आप देखो ए एंड बी वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस वेरी क्लोजली एट ए क्रॉस पॉइंट, बी शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ ए. ठीक है, अब इसका मतलब अगर मान लीजिए शेडो है तो ये जो है वो एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं, ये ए है और ये बी है, ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि तभी जो शेडो बनेगा वो इधर बनेगा है ना, और इनके राइट और लेफ्ट में बनेगा. तो अब ये बोल रहा है कि इफ बी शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ ए, बी का शेडो जो है वो ए के राइट में बनेगा. तो देखो ए का राइट जो है दिस इज, तो ए इधर है, देखो ए की जगह में हो गया, तो ए का राइट इधर होगा. तो बी का शेडो अगर ए के राइट में बन रहा है, देखो हमारा कोइंसिडेंटली नहीं तो मैं इनको आपस में बदल देता. तो देखो इसने बोला बी का शेडो राइट में है ए के, तो ए की जगह मैंने अपने आप को रखा, तो देखो यहां राइट में इधर इधर ही शेडो बनेगा, क्योंकि सनराइज इधर से हुआ तो शेडो इधर ही बनेगा दोनों का. ए देख रहा है तो ए के राइट में देखो बी का शेडो आएगा, लेकिन बी के रेस्पेक्ट में ए का शेडो किधर होगा, लेफ्ट में होगा. इन विच डायरेक्शन इज बी वॉज फेसिंग, तो बताओ बी किसको कर रहा है, बी तो नॉर्थ देख रहा है भैया, बी किसको देख रहा है, नॉर्थ को. अरे ईस्ट वेस्ट तो देख ही नहीं सकता, ये किसने बनाया है भैया, जिसका भी ये गलत है ठीक है. तो देखो ईस्ट वेस्ट तो देखेगा तो इधर देखेगा, इधर देखेगा तो पीछे की तरफ शेडो बनेगा भैया उनका है ना, एक के आगे की तरफ बनेगा एक के पीछे की तरफ बनेगा, लेकिन उसने आगे पीछे नहीं बोला है भैया, लेफ्ट और राइट बोला है, तो इधर आमने सामने देखेंगे तो इधर बनेंगे इनके. किसका फेस पूछा है, बी का, तो बी वॉज फेसिंग नॉर्थ. हम देखो यहां पे 50-51 दो क्वेश्चन और लेके जा रहे हैं हम. यस देखो आवाज तो आ रहा है ना, इफ किरण पुट हर टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच वे दैट 6:08 PM आवर एंड पॉइंट ट्विस्ट इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल बी 9:30 PM. देखो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि भैया ये क्वेश्चन कंफर्मली आते हैं. देखो इफ किरण पुट हर टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच वे दैट 6 PM आवर एंड पॉइंट ट्विस्ट. वैसे देखो 6 PM क्या होता है, 6 ऐसे बजता है भैया, और ये जो है वो आप देखें तो ये मिनट हैंड, तो आवर एंड छोटा होता है मिनट हैंड, और 6 बजेंगे तो ये इधर, और ये कह रहा है कि आवर एंड पॉइंट टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ है, किधर है, ईस्ट. लेकिन आपको पता है ये एग्जैक्टली होता क्या है, ये तो साउथ होता है, और ये कह रहा है ईस्ट की तरफ है. तो बताओ इसकी तरफ होने में कितना डिग्री एंगल लगेगा, 90 डिग्री लगेगा, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज लगेगा ठीक है. तो आप इस पे ओवरलैप करेंगे तो देखो ये जो ईस्ट में है तो होता तो इधर है ओरिजिनली, ये कह रहा है ईस्ट में है, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा तब ईस्ट में होगा. तो ये कह रहा है कि 9:30 PM मिनट हैंड किधर होगा ठीक है. तो देखो 9:30 पहले 9:30 बजाओ इसमें, तो 9:30 जो होता है 9:30 ऐसा बजा देते हैं. देखो अब मिनट हैंड क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा होगा इसमें, लेकिन मिनट हैंड की बात करें तो ये, तो मिनट हैंड भी भैया ये तो 9:30 पे, ये तो मिनट हैंड भी उतना ही होगा, ये भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा ठीक है. यानी कि जो इसको दिखा रहा है वही इसको दिखाएगा, तो इसको क्या दिखा रहा था, ईस्ट, तो ये भी क्या दिखाएगा, ईस्ट ही दिखाएगा भैया ठीक है, सेम दिखाएगा भैया, मिनट हैंड तो ईस्ट में ही दिखाएगा, क्योंकि इसका भी तो ये देखो ये इधर पहले साउथ में दिखा रहा था, अभी ये भी साउथ में है मिनट हैंड भी, ये भी इसका आवर हैंड भी साउथ में है, तो सेम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो ईस्ट में दिखाएगा ठीक है. तो ये हो गया ईस्ट. अब देखो 51 नंबर,
सिक्स पर्सन ए बी सी डी एफ आर सिटिंग इन अ रो इन ए स्ट्रेट लाइन बी इज बिटवीन एफ एंड डी. देखो सिक्स पर्सन ए बी सी डी एफ आर सिटिंग इन अ रो इन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमें बोला ही नहीं तो नॉर्थ फेसिंग लेंगे. बी इज बिटवीन एफ एंड डी, तो हमने बना दिया बी इज बिटवीन एफ एंड डी. तो भैया हमें क्या पता कि बी इज बिटवीन एफ एंड डी है, तो डी इधर है एफ इधर है, तो दोनों पॉसिबिलिटी बना दिए. फिर बोला ई इज बिटवीन ए एंड सी, ई इज बिटवीन ए एंड सी, ई इज बिटवीन ए एंड सी, ये हमने बना दिया. ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है, ए डज नॉट सीट नेक्स्ट टू एफ. ए जो है वो एफ के बगल में नहीं है भैया, एफ और डी. इट डज नॉट सीट नेक्स्ट टू एफ और डी, तो ए जो है वो एफ और डी के बगल में नहीं है. तो इसका मतलब देखो कि या तो ये जो होगा वो ऐसे होगा कि ए ई सी एफ बी डी, क्योंकि ए जो है न तो एफ के बगल में ना डी के, तो हमने इसको इधर भी नहीं बनाया. तो अब यहां पे देखो कि न डी के बगल में न एफ के बगल में है, तो यहां पे इसको तो हम न यहां लगा सकते हैं न यहां लगा सकते हैं. ठीक है, यहां लगाएंगे तो देखो ये आ गया इधर, लेकिन ये तो लगा ही सकते हैं भैया एफ बी डी. तो एक तो पहले इसको देखो ए ई सी एफ बी डी. अब ए क्या हो सकता है, सी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू डी, सी जो है डी के बगल में नहीं. चलो पहले पॉसिबिलिटी बनाते हैं. देखो तो पहले तो इसके साथ में हमने लगाया ए ई सी एफ बी डी. ठीक है, अब लेकिन मैं ये भी तो लिख सकता हूं एफ बी डी और ए ई सी लिख सकता हूं क्या. देखो ए ई सी लिखूंगा तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी भैया, क्यों, क्योंकि डी जो है वो ए के बगल में नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है. तो इसके साथ में एक ही पॉसिबिलिटी है इसकी. अब इसकी पॉसिबिलिटी इसके साथ में बनाओ, तो देखो इसके साथ में बनाते हैं तो ए ई सी डी बी एफ, तो ये लिख नहीं सकते. देखो सी डज नॉट सीट नेक्स्ट टू डी, अगला नहीं है, तो ये भी नहीं बना सकते कि इसके साथ में इसको लें. तो इसको पीछे तो लगा सकते हैं, यानी कि डी बी एफ ए ई सी, ये लिख सकते हैं हम. ठीक है, लेकिन इसमें कौन साथ में आ गया, एक के बगल में आ गया एफ, तो ये भी नहीं लिख सकते भैया, हटाओ, ये भी नहीं लिख सकते. फिर हम देखो कि यहां पे इसको लगाया इसके साथ में आगे पीछे लगाया नहीं बैठा. अब इसको हमने यहां लगाया तो सी के बगल में डी नहीं हो सकता, तो यहां पे भी नहीं, और ये पीछे लगाया तो ए के बगल में एफ नहीं हो सकता, तो ये तो हो गया, इसके बगल में तो नहीं आएगा. अब इसको देखो सी ए एफ, तो ए के बगल में एफ नहीं आ सकता, तो लेकिन हम क्या ऐसा बना सकते हैं एफ बी डी सी एफ बी डी सी ई ए. अब हमने इन दोनों को बनाया, तो लेकिन इसमें देखो क्या इट डज नॉट सिट नेक्स्ट टू एफ, अतः एफ की तो नहीं है. सी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू डी, लेकिन बैठ गया भैया, ये नहीं बैठा सकते हम. फिर अब इसमें यहां पे तो हम बैठा नहीं सकते थे, यहां पे भी नहीं बैठा सकते, यहां बैठा सकते हैं क्या. ए जो है वो डी के बगल में नहीं है, आगे भी नहीं बैठा सकते. यहां देखो ये बी और सी और एफ, तो ये हो सकता है कि हम डी बी एफ सी ई ए, देखो ये भी हो सकता है एक. अब देखो इसने बोला एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, एफ जो है वो किसके बीच में है, तो आपको पता चलेगा एफ किसके बीच में है भैया. इसमें भी बी और सी के बीच में है, और इसमें भी एफ जो है बी और सी के बीच में है. ठीक है, मैंने सारी पॉसिबिलिटी देखी है, आप एक पॉसिबिलिटी से भी देख सकते थे तो आपको करेक्ट मिलता, हालांकि हमने ये देख लिया इसके अंदर, तो आपको दिखाई देगा कि एफ इज बिटवीन बी एंड सी. देखो कंडीशन जो दे रखी है वो सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि इसने बोला ए डज नॉट सिट नेक्स्ट टू एफ और डी, तो एफ और डी के बगल में नहीं होना चाहिए, तो नहीं है देखो. और सी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू डी, तो आपको यहां पे सी डी के बगल में नहीं है, तो एक मिल गया, तो आप इससे भी देख सकते थे. ये बाकी का मैंने चेक किया है, बाकी देखने का जरूरत नहीं था आपको. ठीक है, देखो ये और है क्या आगे इसमें.
देखो इसमें दे रखा है, इन स्कूल कल्चरल कमेटी मीटिंग फोर गर्ल्स दीप्ति अरुणा चंद्रा बिंदु फोर बॉयज गौतम फानीश हरेंद्र ईशान आर सिटिंग इन अ सर्कल राउंड ए टेबल फेसिंग ईच अदर। देखो पहली बात तो आप ये समझो कि टोटल बंदे कितने हैं, चार तो लड़कियां हैं और चार ही लड़के हैं, तो टोटल एट हैं। तो मैंने कहा था काउंटिंग जरूर करना। राउंड टेबल है, नो टू गर्ल्स और बॉयज आर सिटिंग साइड बाई साइड, ठीक है। इससे हम इसको होल्ड पे रखेंगे, इससे हम कुछ भी डायग्राम नहीं बना सकते हैं। अब मैंने बोला था एट हो तो एट किस में बनाना, ऐसे चार तो इधर और चार इधर, ठीक है। इसने बोला चंद्रा हुई सिटिंग बिटवीन गौतम और ईशान, तो पहले को बैठाते वक्त बिल्कुल नहीं सोचना है कि चंद्रा जो किसके बीच में है, गौतम और ईशान के बीच में है। लेकिन जैसे ही हमने ये देखा कि भैया ये तो ये है, तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि भैया चंद्रा अगर गौतम और ईशान के बीच में है तो ईशान इधर भी हो सकता है और गौतम इधर भी हो सकता है। तो पॉसिबल डायग्राम बना लिया। और इज फेसिंग दीप्ति, चंद्रा इज फेसिंग दीप्ति, तो चंद्रा इज फेसिंग दीप्ति, चंद्रा इज फेसिंग दीप्ति, यह हमने बना लिया। देखो फिर क्या बोला, फानीस इज बिटवीन दीप्ति एंड अरुणा, फानीस इज बिटवीन दीप्ति एंड अरुणा फेसिंग गौतम, गौतम हमने बनाया था भैया, उसको कौन फेस कर रहा है, एफ। और दीप्ति और किसके बीच में है भैया, अरुणा के बीच में। तो देखो गौतम को फेस कर रहा है फानीस और किसके बीच में, दीप्ति और अरुणा के बीच में, तो यह हमने बना लिया, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है, हरेंद्र इज टू द राइट ऑफ बिंदु। तो देखो क्योंकि ये जो है इसने बोला नहीं है, राउंड टेबल फेसिंग इच अदर बोला है, तो देखो इसका मतलब हम फेसिंग इच अदर होगा तो राइट की बात करेगा, तो हम कैसा चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा चलता भी है डायरेक्शन टेस्ट के। तो राइट राइट एच इज टू द राइट ऑफ बी, तो आप देखो कि एच इज टू द राइट ऑफ बी, तो एंटी क्लॉकवाइज, एच इज टू द राइट ऑफ बी, H is to the right of B, anti clockwise चल रहा हूं भैया। हरेंद्र is to the right of बिंदु, ये वही है भैया, A B C D E F G H थे, अब नाम बदल दिए और कुछ नहीं है। अब देखो इसने क्या बोला है, identify the person whom Ishan is facing, पहले देखो इसको चेक करो, no two girls and boys are sitting side by side, तो देखो girls के नाम है D A C B, तो D A C B, तो D और B तो side by side हो, तो ये तो डायग्राम नहीं कंसिडर होगा। इसमें देखो ए बी सी डी, यस ये साइड बाय साइड नहीं है, एक एक छोड़ के है, ये वाला डायग्राम कंसिडर होगा। और इसमें पूछा गया है कि जो ईशान है वो किसको फेस कर रहा है, तो ई कहां दिया, तो ईशान इज फेसिंग हरेंद्र, हरेंद्र ही नाम था ना, यस, तो ये आंसर आ गया भैया हरेंद्र एच, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन वही है, बस नाम बदले हैं भाई। तो 53 और 54 दोनों इस एक पर ही बेस्ड हैं। सिक्स पर्सन ए डी सी एम जे एंड के आर स्प्लिट इंटू ग्रुप ऑफ थ्री, इच एंड आर मेड टू स्टैंड इन टू रो इन सच वे दैट ए पर्सन इन वन रो इज एक्जेक्टली फेसिंग ए पर्सन इन द अदर रो, एम इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। इसमें बोला ही नहीं है कि फेसिंग आर स्प्लिट इंटू ग्रुप ऑफ थ्री इच, ठीक है। तो देखो हमने इधर बना दिया, और ईस्ट और साउथ में है क्या, बोल ही नहीं रखा। 6% ये वाले split into group 3 each, they are made to stand in two row in such a way that the person one row is actually facing the other, M is not at the end of any row, ठीक है। तो देखो 1 2 3 1 2 3, फिर बोला M is not at the end of any row, यानी कि M यहां होगा या यहां होगा, ठीक है। And is to the right of J, और वो किसके राइट में है, जे के राइट में है, तो देखो जे हमने यहां बना दिया, तो देखो राइट में आ गया, एम इज राइट टू द जे। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो ये जे जो होगा यहां होगा, तब एम जो होगा वो राइट में होगा, ठीक है। ये हमने बना लिया, एम इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो एंड इज टू द राइट ऑफ जे, हु इज फेसिंग सी, और वो किसको फेस कर रहा है भैया, सी को फेस कर रहा है, कौन, जे, तो सी यहां होगा या फिर यहां होगा, क्योंकि जे सी को फेस कर रहा है।
केज टू द लेफ्ट ऑफ डी, के इज लेफ्ट ऑफ डी, हु इज फेसिंग एम, एम को फेस कर रहा है। अगर एम इधर होगा तो भैया डी यहां होगा, और एम यहां होगा तो डी यहां होगा, और वो किसके लेफ्ट में है भैया, के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो के डी के लेफ्ट में है। तो देखो के अगर डी के लेफ्ट में होगा, हु इज फेसिंग सी, के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है, कि अगर डी के लेफ्ट में होगा तो मुझे यहां पर ऐसा बनाना पड़ेगा, जे सी, जे सी बनाना पड़ेगा। और अब डी के लेफ्ट में मैंने क्या बना दिया, के, ठीक है, यहां डी के लेफ्ट में मैंने क्या बना दिया, के, ये हो गया भैया। हु इज फेसिंग एम, एम को तो भैया डी फेस करेगा, Who is facing M? नहीं, ये तो अच्छा, ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो ये है, Who is to the immediate left of B? Immediate left of B, तो B कौन होगा भैया, B यहां होगा या फिर यहां होगा, B के immediate left में कौन है, तो देखो B के immediate left यहां तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, ये भी राइट में है, तो ये तो कोई दिख नहीं रहा भैया, Who is to the immediate left of B? वापस से देखो इसके अंदर मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। 6% बी डी सी एम जे के आर स्प्लिट इन टू ग्रुप, ठीक है, इच अदर फेसिंग, एग्जैक्टली फेसिंग पर्सन इज अदर रो, एम इज नॉट एट द एंड, ठीक है, एम एंड पे नहीं है तो बीच में होगा, एंड इज टू द राइट ऑफ जे, और किसके राइट में है भैया, जे के राइट में है। अच्छा, जे के राइट में होगा तो भैया जे के राइट में तो कब होगा, यहां तो अगर मान लीजिए जे इधर होगा तब राइट में होगा, तो जे तो इधर ही आना चाहिए, और जे इधर आएगा तो आप देखो, ये तो क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ बना दिया है इन्होंने, पहले तो हमने यही करा था, जे इधर आएगा, ठीक है, इधर मत करो, M is not at the end of any row, is to the right of J, ठीक है, M जो है J के right में है, तो देखो J के right इधर से, और M जो है वो J के right में है, तो इधर से, yes, दोनों तरफ से सही है। Who is facing C? J के right में है जो C को face कर रहा है, अच्छा diagonally नहीं है, ये हमने गलत पढ़ लिया, sorry, diagonally नहीं है भैया, ठीक है, M is not the end, is to the right of J, who is facing C, C को face कर रहा है, तो C यहां होगा भैया, C यहां होगा, ठीक है, देखो मैंने diagonally opposite पढ़ लिया उसको, ये गड़बड़ हो गया, तो J is facing C, J is facing C, yes, ये हो गया। अब देखो इसके बाद में क्या बोला, K is to the left of D, K जो है वो D के left में है, अब के अगर डी के लेफ्ट में है तो आप देखो डी के लेफ्ट में मैं बनाना चाहता हूं के को, तो डी अगर यहां होगा तो ये लेफ्ट में, के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है, तो के जो है वो यहां होगा, के अगर लेफ्ट में होगा डी के, तो देखो इधर से तो यहां पे देखेंगे तो ये देखो के जो है वो यहां पे हो सकता है, ठीक है, K is to the left of D, who is facing M? किसको फेस कर रहा है भैया, M को, तो ठीक है ये बना दिया हमने, ये तो हो गया यहां पे बनने का, तो यहां C है तो यहां देखो B होगा और यहां B होगा, ओके, अब देखो इसने बोला who is to the immediate left of B, तो B के immediate left कौन है, ठीक है, या तो M होगा या फिर D होगा, ठीक है, तो यहां पे हमें सर्टेनली भी पता करना होगा कि भैया कौन है, तो हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, एम और डी में से आ रहा है, यहां तो दोनों दिख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर इन द सेम रो, यहां कुछ मिसिंग हो रहा है भैया बोर्ड से, 6% बी डी सी एम जे के, बी डी एम से जे, ठीक है, स्प्लिट इन टू टू ग्रुप, इच आर मेड ऑफ स्टैंड इन रो, वन रो
one person is one row is exactly facing a person in the other row m is not at the end of any row theek hai beech mein hai fix kaise hoga dekhte hain dekhiye m is not at the end of any row theek hai and is to the right of j j ke right mein hai theek hai to j ke right mein hai to j idhar hoga to j ke right mein aa gaya who is facing c to c ko face kar raha hai ye humne bana diya c k is to the left of d k jo hai wo d ke left mein hai k d ke left mein hai to ek kaam karna padega ya to hume exactly k d ke left mein hai to hume kya hai ki ye certainly ek lena padega ki bhaiya k d ke left mein hai to k yahan bana diya aur ye humne d ke left mein k bana diya theek hai aur yahan certainly hum le lete hain m ठीक है और यहां सर्टेनली हम ले लेते हैं जे ठीक है अब यहां सर्टेनली हम जो लेंगे हु इज फेसिंग सी ठीक है जे इज फेसिंग सी के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी ठीक है के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी हु इज फेसिंग एम ठीक है ओके हु तो कौन डी हु इज फेसिंग एम ठीक है तो यहां पे देखो इसमें भी सर्टेनली हमें सी के बारे में क्या बोला था इन्होंने हु इज फेसिंग सी राइट ऑफ जे किसके बारे में एम इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो एंड इज टू द राइट ऑफ जे जे के राइट में है हु इज फेसिंग सी ठीक है जे के राइट में है एम तो हु इज फेसिंग सी तो ये सी हो गया तो ये बी हो गया हम पॉसिबिलिटी हटा देते हैं भैया उसकी अब पॉसिबिलिटी हटाएंगे तो देखो अब क्या बोल रहा है हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी बी के इमीडिएट लेफ्ट कौन है तो देखो बी के इमीडिएट लेफ्ट जो होगा वो एम है हमने पॉसिबिलिटी हटा दी दिया सर्टेनली लेना पड़ेगा हमको ठीक है तो बी के इमीडिएट लेफ्ट कौन हो गया देखो आपको दिखाई देगा एम क्योंकि इधर है तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में एम है अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर इन द सेम रो तो आपको दिखेगा बी एम जे यस ये दिख रहा और थोड़ी इनमें केडीसी थोड़ी है नहीं है तो ये आ गया भैया ठीक है आपको इसी तरीके से करना है इसमें आ रही है वॉइस ठीक है ना देख लो एक बार चार पांच क्वेश्चन और है ना अब देखो इसके अंदर पॉसिबिलिटी हटानी पड़ेगी हमने पहले पॉसिबिलिटी बना दी थी तो पॉसिबिलिटी चलेगा नहीं क्योंकि सर्टेनली हालांकि उसमें पॉसिबिलिटी है लेकिन वो सर्टेनली पूछ रहा है इसलिए हमने उन पॉसिबिलिटीज को हटा दिया भैया देखो 55 नंबर में ड्यूरिंग एन इंटरव्यू सेवन एप्लीकेंट सिटिंग इन ए रो आर अवेटिंग देयर टर्न चंद्रेश इज सिटिंग लेफ्ट टू कुलदीप बट ऑन द राइट टू दीक्षा रेशमा इज सिटिंग राइट ऑफ कुलदीप तो देखो यहां से हम बनाते हैं चंद्रेश इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ कुलदीप क्या हमें ये बोला है ड्यूरिंग एन इंटरव्यू सेवन एप्लीकेंट सिटिंग इन ए रो आर वेटिंग देयर टर्न बोला ही नहीं तो नॉर्थ फेसिंग कर लो और नॉर्थ फेसिंग में आपको अपने हाथ की तरह करना है चंद्रा इज सिटिंग लेफ्ट टू कुलदीप चंद्रा सिटिंग लेफ्ट टू कुलदीप तो हमने बना लिया चंद्रा को कुलदीप के लेफ्ट में बट ऑन द राइट ऑफ दीक्षा बट ऑन द बट है तो ये किसके लिए हो गया भैया चंद्रेश के लिए तो बट On the right to Diksha. तो चंद्रा जो है चंद्रा इज सिटिंग लेफ्ट टू कुलदीप बट राइट टू दीक्षा ये राइट टू दीक्षा तो दीक्षा के राइट में बना लिया यहां तक हो गया रेशमा इज सिटिंग राइट टू कुलदीप ठीक है तो रेशमा इज सिटिंग राइट टू कुलदीप तो देखो कुलदीप के राइट में तो राइट कुलदीप ये हो गया हमारा राइट ले लिया हमने रेशमा अब देखो इसने क्या बोला प्रियंका इज सिटिंग राइट टू गायत्री अब प्रियंका इज सिटिंग राइट टू गायत्री तो हमने यहां बना लिया प्रियंका इज सिटिंग राइट टू गायत्री यहां पे है ही नहीं भैया प्रियंका और गायत्री तो अलग से बनाना पड़ा बट लेफ्ट टू दीक्षा लेकिन किसके लेफ्ट में है दीक्षा के तो देखो दीक्षा के लेफ्ट में है तो बट है तो बट से ज्वाइन है तो किसके लिए होगा भैया ये फर्स्ट पर्सन के लिए होगा प्रियंका प्रियंका इज लेफ्ट टू दीक्षा तो पी और जी देखो ये मिक्स हो गया ये यहां बना दिया अब देखो इसने क्या बोला हिमानी इज सिटिंग लेफ्ट टू गायत्री लेफ्ट हिमानी ये हमने बना दिया ठीक है द पर्सन सिटिंग इन द मिडल मस्ट बी तो मिडल कौन बैठा हुआ है डी दीक्षा बैठी हुई है भैया
ये हो गया, ठीक है। तो देखो ये हमने बना दिया यहां पे 55 नंबर में आपका आंसर आ गया दीक्षा। अब देखो 56, ए इज बीज फादर, ए इज बीज फादर, ठीक है। सी इज बीज मदर, सी इज बीज मदर, तो ये हमें पता चल गया भैया, सी जो है वो बी की मदर है और ए जो है ए इज बीज फादर, ए फादर है, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए। डी सी सन, डी इज सी सन, तो देखो डी सी सन हो गया, तो देखो ये इसका मतलब बहन भाई या भाई भाई हो गए। ई इज एज मदर, ई इज एज मदर, तो ये हमने बना लिया ई इज एज मदर। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए रिलेटेड टू डी, तो ए इज फादर टू डी, ये तो फादर है भैया, ये देखो ए इज फादर टू डी, ठीक है। अब देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 57 पॉइंटिंग टू ए मैन इन अ फोटोग्राफ, ए वुमन सेड पॉइंटिंग टू ए मैन, मैन बनाओ वुमन, तो वुमन बनाओ, तो वुमन का हमें पता है, मैन का हमें जेंडर पता है। द फादर ऑफ हिज ब्रदर, द फादर ऑफ हिज ब्रदर, तो देखो इसका जो ब्रदर होगा उसका फादर और इसका फादर तो सेम ही होगा, फादर ऑफ हिज ब्रदर। इज ऑनली सन, इज ऑनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, फादर ऑफ हिज ब्रदर इज ऑनली सन, ये ऑनली सन है भैया, किसके ऑनली सन है, माई ग्रैंड फादर, मेरे ग्रैंड फादर के, तो मेरे ग्रैंड फादर, तो देखो ये फादर और ये ग्रैंड फादर, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है वो भी इनकी सिस्टर होगी भैया। देन हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन इन फोटोग्राफ, तो ये देखो ये तो सिस्टर होगी भैया, साफ सी बात है, क्योंकि जो इसके दादाजी वो इसके दादाजी, ठीक है, तो यहां पे आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो लास्ट थ्री क्वेश्चन है भाई, पेपर देखो सारा का सारा वही है, केवल नाम बदल के आ रहा है, एक आध क्वेश्चनों में वेरिएशन है, बाकी कुछ नहीं है भैया, ठीक है। ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ सिक्स मेंबर पी क्यू आर एस टी यू, देर आर टू मैरिड कपल, ठीक है, क्यू इज ए डॉक्टर एंड फादर ऑफ टी, देखो ये भी वैसा ही लग रहा मेरे को, तो ए फैमिली कंसिस्ट सिक्स मेंबर पी क्यू आर एस टी यू, देर आर टू मैरिड कपल, ओके दो मैरिड कपल है, क्यू इज ए डॉक्टर एंड फादर ऑफ टी, क्यू जो है वो डॉक्टर है भाई, तो बाई प्रोफेशन डॉक्टर है तो हमने लिख दिए, और फादर है तो जेंडर भी पता, क्यू इज ए डॉक्टर एंड फादर ऑफ टी, तो टी के फादर हैं भैया, एंड इज ए हाउसवाइफ, नहीं ये कहां आ गया, क्यू इज ए डॉक्टर एंड फादर ऑफ टी, ठीक है, यू इज ग्रैंड फादर ऑफ आर, यू इज ग्रैंड फादर ऑफ आर, तो देखो यू इज ग्रैंड फादर ऑफ आर, तो यानी कि ये यहां पे कुछ बनाएंगे और ये यू इज ग्रैंड फादर ऑफ आर, तो ये हमने बना लिया। एंड इज ए कॉन्ट्रैक्टर, यू जो है ग्रैंड फादर है आर के और कॉन्ट्रैक्टर है, कौन भैया एंड से ज्वाइन है, तो ये किसके लिए आ रहा है, यू के लिए, ये कॉन्ट्रैक्टर है, तो इनका प्रोफेशन हमने लिख दिया कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। और अब देखो यहां पे ये ग्रैंडफादर हैं तो इनका जेंडर भी हमें पता चल गया, एस इज ग्रैंड मदर ऑफ टी, एस इज ग्रैंड मदर ऑफ टी, टी की ग्रैंड मदर है एस, तो ये हमने एस बना लिया, ठीक है, और ये ग्रैंड मदर है तो ये हमने बना दिया, ठीक है, एस की ग्रैंड मदर, सॉरी टी की ग्रैंड मदर कौन है, एस, एस इज ए ग्रैंड मदर ऑफ टी एंड इज ए हाउस वाइफ, और ये कौन है भैया, हाउसवाइफ है, ये हमने बना लिया। देयर इज वन डॉक्टर एंड वन कॉन्ट्रैक्टर, वन प्रोफेसर एंड वन हाउसवाइफ एंड टू स्टूडेंट इन द फैमिली, ठीक है, दो स्टूडेंट है, तो बताओ देखो कितने नाम आ गए यहां पे, हम देखें तो टी आ गया, क्यू आ गया, एस आ गया, यू आ गया, आर आ गया, तो एक नाम रह गया भैया पी, ये पी आ गया,
ठीक है। और यहां पे देखेंगे तो ये दादाजी दादी, तो ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, मेरे ख्याल में ये भी हस्बैंड वाइफ का, और ये दो हैं ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, और ये दोनों क्या हैं, स्टूडेंट हैं भैया, ये स्टूडेंट है। तो ये पूछ रहा है कि हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, तो आपको दिखाई देगा कि हस्बैंड ऑफ क्यू, ठीक है। तो यहां पे तो क्योंकि ये दादा दादी हैं, और आपको दिखाई देगा कि कितने दो मैरिड कपल हैं, तो ये दो मैरिड और ये दो ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए उनके, ठीक है। और एक वन प्रोफेसर अगर इनका पूछता तो ये प्रोफेसर हैं भैया। आप देखो यहां 59 में पी द सन ऑफ क्यू, पी द सन ऑफ क्यू, देखो अलग कलर से ले लेते हैं, P is the son of Q, तो हमने बना लिया P is son of Q, while Q and R are sister to one another, तो sister है, sorry, sister है Q और R, R sister one another, T is the mother of R, T is the mother of R, if S is son of T, S is son of T, ठीक है। How is S related to P? How is S related to P? तो पता चलेगा भैया S जो है वो अंकल है भैया, ठीक है, और वो भी कौन सा, मैटरनल अंकल है, वेरी करेक्ट, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि भैया ये मदर है और मदर का ये ब्रदर है, तो मदर का ब्रदर क्या कहलाता है भैया, अंकल, और वो भी मैटरनल। लास्ट क्वेश्चन देखो, संध्या इज डॉटर इन लॉ ऑफ शैलेस एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ राजन, देखो क्या बोला गया है भैया, बोला गया है कि संध्या जो है डॉटर इन लॉ है शैलेश की, तो संध्या हमने बनाई और उनके एक हस्बैंड हमने बनाए जिनका नाम नहीं लिखा, और वो डॉटर इन लॉ है शैलेश की, तो हमने ये शैलेश को बनाया, ठीक है। और संध्या इज डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ सन होगा, सन की कोई वाइफ होगी, तो वाइफ बना दे इसकी, ये संध्या है भी, नाम लिख दो संध्या। देखो जेंडर से थोड़ा सा मैं डिसाइड कर रहा हूं क्योंकि आसान होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। डॉटर इन लॉ है तो इससे पता चल गया, लेकिन शैलेश का नहीं था, फिर भी मैंने उसको शैलेश के नाम से इसको करा। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ राजन, किसकी सिस्टर इन लॉ है भैया, राजन की, तो राजन की ये भाभी भी हो सकती है, तो हमने इसका एक भाई बना लिया राजन, इस हस्बैंड, इसके हस्बैंड का एक भाई बना लिया, तो उनके लिए ये क्या होगी, सिस्टर इन लॉ होगी, ठीक है। मानक इज सन ऑफ शैलेश, अब देखो ये मानक नाम आ गया, मानक, ठीक है, सन ऑफ शैलेश एंड ओनली ब्रदर ऑफ राजन, ओनली ब्रदर ऑफ राजन, तो देखो ये भी हमें पता चल गया, ओनली ब्रदर ऑफ राजन, तो ये भी दिख गया हमें। देन हाउ संध्या इज रिलेटेड टू मानक, हाउ इज संध्या रिलेटेड टू मानक, तो देखो संध्या जो है मानक की क्या है, वाइफ है, क्लियर कट वाइफ है, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन आए, देखो रीजनिंग के भी सारे क्वेश्चन ऐसे कुछ भी नहीं थे, एक दो क्वेश्चन थोड़े से लंदी थे, एक में हमें डेफिनेटली कुछ आइडिया लगाना था जिसके अंदर हम थोड़ा सा यहां पे रुके थे, क्योंकि रीजन है कि वहां पॉसिबिलिटी बन रहा था इसमें, लेकिन अगर आपको सर्टेनली ही आंसर देना है तो फिर आपकी पॉसिबिलिटी को हटाना पड़ता है, ठीक है। बाकी इन क्वेश्चनों में कोई ऐसा नहीं था, आपको अगर मैं सोचूं कि आप इन 60 में से कितने क्वेश्चन कर सकते हो, तो जहां तक मुझे समझ में आता है 3-4 क्वेश्चन के अलावा आप सारे क्वेश्चन कर सकते थे, वो भी 3-4 क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम टेकिंग था इसलिए, ठीक है। ओके बेटा, देखो ये पेपर मैंने पूरा करवा दिया, और आप इसको देख के आप पता कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।